सो हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। वी आर बैक विथ शारिंगन भाई। हाय सर, कैसे? हाउ वाज यस्टरडे? अरे इट वाज फन मैन, फन। आई यूज्ड टू फील लोनली मैन कभी कभी, के भाई अकेला पूरा टाइम स्ट्रीम करना। एक साथ में सब पार्टनर मिलता है ना, बाद में मजा आता है। बात तो सही है तेरी सर कैस्टर। अगर मैं भी अकेला रहूंगा तो कभी कभी मैं भी बोर हो जाऊंगा कि भाई मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, कोई और भी होना चाहिए। यार एक काम करता हूँ, लाओ जो बंदा मर गया उसी को ले लेता हूँ। हॉल पे वही कोई है क्या? हॉल पे वी डू दैट इन गेम्स, राइट? व्हेन वी डाई एंड वी हैव नथिंग एल्स टू डू, हॉल पे देन चालू। वी विल गो ऑन। हां, वी विल गो ऑन। बीप बोप बीप बोप। नहीं, बीप बोप बीप बोप नहीं, पहले इज्जत से मोस्ट ऑफ द बात। टाइम। अगर उसने बीप बोप चालू किया तो फिर सामने बीप बोप बीप बोप ऐसा है। हाँ, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई गो ऑन, ऑल आई एम हैविंग अ फन कन्वर्सेशन, और आई एम टेलिंग देम वेयर माय माय टीम ऑलरेडी इज एंड गोइंग किल द गो टीम। एंड किल, गो एंड किल, वी वांट टू प्ले नेक्स्ट गेम। यस यस भाई, मार भाई, क्या कर रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास भाई। टॉमी है, टॉमी, घुस जा घुस जा। या तो हमारी टीम को फ्री किल्स मिलेंगे या तो फिर वो लोग मार के निकल जाएंगे। और क्या, हाँ यार, तो अपनी टीम का फायदा है, और क्या है, ईदर वेज। सो कौन कौन आ गया है सर्केस्टर आज? डू वी हैव द अभी विनर्स फिलहाल फ्रॉम टू डू वी हैव द विनर्स फ्रॉम यस्टरडे? यप, वी हैव थ्री गाइस फ्रॉम द विनर्स टीम। थानोस, जो कि दोनों मैच में अच्छी कंटेनर्स निकाले थे। ओके, एट द मोमेंट आई कैन नॉट सी द नंबर ऑफ एडिशंस ऑन द टीम, सो यू विल हैव टू कीप मी पोस्टेड ऑन इट। आई एम एट स्टक एट 29 ओनली Okay, राइट so we नाउ। have 57 actually. It's okay, no problem. जस्ट कीप मी पोस्टेड सो वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम टुडे। We will start on 3-5, no matter how many teams join and don't. आज मैंने क्लाउड को ओके तो फिलहाल बोल के रखा है कि जो भी टीम्स आज ज्वाइन नहीं कर रही हैं या फिर टू मैन स्क्वाड है, थ्री मैन स्क्वाड इज फाइन, बट अगर टू मैन स्क्वाड है या फिर उससे कम या स्लॉट पूरा खाली है तो उनको आज बैन देना है। थोड़ा कैसा है कि उनमें भी थोड़ा ये हो जाए। और देख ले, आप एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर आप पे नोटिस हो रहा हो तो एच एच की टीम में जो आर्यनओपी थे उन्होंने एच एच आर्यनओपी नाम चेंज कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू हेड हंटर्स, एंड वी रियली अप्रिशिएट द एफर्ट एज वेल ऑन दिस फ्रंट। लाइक प्रॉमिस, यू डिलीवर्ड ऑन योर प्रॉमिस, सो थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग योर वर्ड। और एक्चुअली ऑल उन्होंने अदर कहा टीम्स, था एक्चुअली कि भाई हम 2 दिन का टाइम दो। 7 तारीख बोला था उन्होंने। कब तक बोला था टाइम? 2 दिन मांगे थे, 1 दिन में कर दिया उन्होंने। 2 दिन मांगा दे था आस्क्ड फॉर भाई। टू डेज यस्टरडे एंड दे आर रेडी टुडे, so that's really commendable on their part. सो द टीम्स आर आल्सो टेकिंग एफर्ट्स। चलो अच्छा है, ऐसा टू वे एफर्ट्स होते ना तो अच्छा लगता है। Yeah, even we would like to work hard. We are already working on something. We met certain unexpected, what should I say, unexpected blockage yesterday. So we weren't able to figure out the montage issue which we are facing right now, but we are working on it. As soon as we are done working on that particular problem of ours, we'll be able to come up with some really good entertaining material for you people post match as well. Post match as well. So guys, जो भी लोग स्ट्रीम देख रहे हैं फिलहाल, स्ट्रीम पे एक लाइक का बटन है, वो दबा दो। The more people like, the more people subscribe, the more motivation Sarcaster will get, and I will get to get to you some really good content which you will enjoy watching and which you will see and learn from. It's only going to game make your game better, and you will also enjoy the number of players coming on this particular stream. So please like and please subscribe. Thank you for that kind words. ओके तो यहाँ पे थानोस की टीम पूरी भर चुकी है, एच एच की टीम पूरी भर चुकी है, ईवाई भी फुल है, डीडीआर फुल है। और शारिंगन भाई आप आ जाइए स्पेक्टेट में, क्योंकि आप अभी भी टीम वन में दिख रहे हैं मुझे। हाँ आ रहा हूँ भाई। देन टीम थ्री डीटी आ चुकी है, हेडीज की टीम फुल दिख रही है मुझे, एएस की टीम फुल है, H2O इज फुल, AKA इज फुल, LOP TC दोनों फुल हो चुकी है, रिवोल्यूशन की टीम फुल हो चुकी है, बाकी सब टीम्स या तो थ्री। ओके डेविल की टीम भी फुल हो चुकी है। हेल टीम सेड, ओ टीम सेड, वेलकम टू द स्ट्रीम बड़ी, कैसे हो? ओके तो यहाँ पे हम एक चीज और देखें, रुको सर, वी गॉट 3 मिनट्स लेफ्ट। यहाँ पे कीमो की टीम एक्चुअली ज्वाइन नहीं किया अभी तक। I think I did inform them very well in advance as to they are the team that need to play today. Yep. Let's see if they don't join, we have to talk to them private.
slot 18. Please tell me who's on slot 18. Slot 18, we have PB Lucifer. A single okay. guy that is PB Lucifer is sitting there. Bro, ऐसे so नहीं I बोलते, think... ऐसे नहीं बोलते, bro. No slangs for any other teams. Bro, I have to remove your comment, man. किसी भी टीम के बारे में ऐसे नहीं बोलते, bro. मैं अपनी जगह पे ही हूँ. मैं ये रहा देख, स्पेक्टेट में बैठा हूँ इधर. टीम 21 दिखाओ. टीम 21 ये देखो सर. टीम 21 सेड एमआरएक्स ग्रो आईटी. ब्रो ग्रो आईटी आपको भी आपका नेम चेंज करना पड़ेगा. आज लास्ट डेट है, कल से हम ये अलाउ नहीं कर पाएंगे. बाकी तो ऐसे होंगे थोड़े बहुत और भी बंदे. टीम 25 पे बाहुबली कौन आके बैठा है सर? निकल गया आई गेस. कौन कौन घुस रहे हैं आज सर? It's okay, buddy. How can I join the customs? Bro, you will get a description. In the description link, you will get a... देखो, नीचे जाओगे ना थोड़ा तो आपको मिलेगा join our Discord server, जो कि before you का है. उसके ऊपर वाला जो Discord server है, वो मेरा है. आप अगर मेरे इस पे आ रहे हो, तो फिर भी आपको इसके before you के इस पे जाना पड़ेगा. वहाँ पे आप contact करोगे, आपको WhatsApp का link दे देंगे. Personally, आपको WhatsApp का link मिल जाएगा. वहाँ पे फिर regularly registrations होते हैं for regular tier 2 elite customs. Now we would have to start. The only thing I need to confirm with you is, do you? Hello. Hello, bolo na. Sarcaster? Yeah, my issue is that I can at the moment only view 28 people over here. Okay. Okay. So do yes, I have an? Ha. So if hello. Hello. Yes. Yeah. Is it clear now? The voice? Yep. Yeah, my problem is that I can only view 28 players right now, okay? And I think there are more number of players. I think the entire slots are full, if I'm not wrong. But then there are certain people on certain places which probably need removing. Okay. So how do I go about that is still an issue. I guess restart, but no, restarting can, I guess. Cancel the room, I guess. Disband the room. Yeah, that's why I was asking. I don't know about the procedure on this one, and I can. Okay, you just guide me. If there's anything that's wrong, let's hope that there's nothing wrong, and we can just start. Before you, Xperio has joined. We can wait for 2 minutes maximum, I guess. Okay. Yeah. One more thing. I need you to check team number 7. Which is team number 7, and there seems to be a new ID on team 7. No, there's no new ID on team 7. That's on team 23. There's Bahubali name. Guy named Bahubali. That's a new ID? Bahubali? Level ID. 7 level ID. Yep. 7 level. Okay, ID. Level. Okay, Bahubali is a level 7 ID, right? Yep. Okay, fine, fair enough. Slot 4 pe player nahi, hamara nahi hai. So the team 23 have came to this stream and are saying that unka jo Bahubali hai wo unki team ka nahi hai. I guess Naman okay. bro, you should actually shift to team 24 ka slot. Abhi filhal koi join nahi kiya hai to. Because ye Bahubali ke sath aap mat kheliye. Mujhe thoda doubt aa raha hai. Maine inka stats abhi tak check nahi kiya. Let's check the stats of this guy. Nahi, filhal to kuch legit hi lag raha hai. Itna kuch khas nahi hai. Shot 13% matlab legit hai iska account to legit. Ye main nikal gaya. 1 minute main nikal gaya. Mere ko room join karna padega. Sharingan bhai. Can you hear me? Yeah, I can. And second, I'm joining. Okay, I invited you again. No, it's okay. I can join.
दिस इश्यू हैज बीन देयर सिंस अ व्हाइल नाउ वेयर आई एम नॉट सेड एबल एमआरएक्स के टू साथ मैं खेल रहा हूं वन सेकंड क्राउन वाइटी ओके 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 जस्ट वेट अ मिनट मेरे को भी यहाँ पे कुछ होना क्योंकि यहाँ पे 74 पीपल्स हैव जॉइन यहाँ पे आई गेस बाहुबली अभी टीम 18 में घुस गया है ये बंदा नाच रहा है आई गेस ये अपने इसका कोई तो ये है अपने ही ग्रुप में से किसी ने एक फेक आईडी बना के आया है पीवी लूसीफर अगर आपको बैन से बचना है तो आपके टीम में जो बंदा है उसको आपको ग्रेनेड से मारना है और क्या ही बोल सकते आई गेस वी शुड स्टार्ट नो टाइम टू वेट आई गेस वी शुड स्टार्ट नाउ टाइम पे आज स्टार्ट कर ही देते हैं चलो शारिंगन भाई यू कैन स्टार्ट एक सेकंड गिव मी वन सेकंड इट्स देयर इज अ लोडिंग स्क्रीन देयर इज अ लोडिंग स्क्रीन ऑन माय एंड वन सेकंड गिव मी वन सेकंड ओके सी नाउ आई कैन सी एवरीबॉडी हां थैंक यू सो मच हां तो यू कैन किक नाउ बाहुबली दिस इज गुड बाहुबली कैन बी किक दैट्स राइट आई वाज ट्राइंग दैट ओनली क्या भाई आज फिर से लेट अरे ब्रो अभी बोलो ब्रो एक अननोन बंदा आया है बाहुबली नाम का हैकर निकला तो फिर तुम ही बोलोगे तुम हैकर्स को प्रमोट कर रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो भाई एक काम करो आप एक बार एक ऑर्गेनाइज कर लो ना रूम एक बार सिर्फ मैं कोई एंगल से गुस्सा नहीं हूँ आप पे सिर्फ एक बार बोल रहा हूँ कि ब्रो फॉर एन एक्सपीरियंस आप एक बार एक रूम स्टार्ट करो खुद का एक रूम ऑर्गेनाइज करो एंड एक बार सर ये सब प्रॉब्लम फेस करो इतनी सारी टीम्स जो आ रही हैं इनको हैंडल करना भी एक स्किल है ब्रो तो थोड़ा सा होता है for some reason I'm not being able to kick I'm not being able to kick him so I will start just like I'll he just has start actually okay left. he has actually already left he's already left well, fair enough ek second pb okay pb kaka hi chalo we can start now hello. okay yep hello are cloud bahut jaldi aaya tu bro hello हाँ शारिंगन भैया रूम किसका शारिंगन भैया का है ना हाँ अरे शारिंगन भैया हमको और ब्लू को इनवाइट कर दीजिए शायद से कीमो अरे आई कुड नॉट फाइंड यू इन द लॉबी सो नाउ नो वरीज एंश्योर दैट द टीम इज देयर फॉर द 4 PM वन ओके ड्रैगनाइट ओके ओके 4 PM आई वोंट बी अवेलेबल बिकॉज़ 4 PM आई हैव सम अदर कमिटमेंट हां ओके देन हैव अ वर्ड इन द क्लैन ग्रुप एंड एंश्योर दैट देयर आर पीपल हु आर अवेलेबल टू प्ले दिस वन And after that, I'll discuss what I need to discuss after okay. these customs are over. Okay. Now it's filled. Now the slots are filled for our clan. There is only Xperio. Invite us. No, we cannot. I cannot invite you anymore because the room's already started, brother. Actually, the room has already started. Yes. The start time was 3, brother. अरे आई डिडंट नो मतलब पाइथन हां हां डोंट वरी लीव डिस्कॉर्ड यू आर स्पीकिंग लाइव ऑन द चैनल राइट नाउ ओके बाय विल कैच यू लेटर या ओके सो द मैच हैज स्टार्टेड आप एक काम कीजिए आज आप स्टार्ट करिए यहां से पहले आप स्टार्ट करिए ओके सो आई नीड टू गिव माय ओपिनियन अबाउट ओके सो लाइक सार्केस्टा डज इट जोन So the flight path is from Lipovka to Georgopol. Georgopol 3 as we call it. I think 1 is great, 2 is city, 3 is the elaborate city which is beyond the small creek which is there. So we see a lot of Milta Power is one place where you can find a flare gun if I am not wrong. Yep. So there is always people who want to jump at Milta Power. But there is HH who has jumped over the Lipovka. ओके तो यहाँ पे शिवम यादव क्या कह रहे हैं हाँ भाई मैं भी समझता हूँ बट रोज रोज लेट होता है मतलब आपके लोग के साइड से भी एंड से भी कुछ गलती हो रहा है ना भाई आई नो कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सबको देखना चेक करना बट लॉबी में बहुत टाइम चला जाता है ब्रो देखो टीम मेंबर्स ही नहीं आ रहे हैं स्लॉट्स फुल नहीं हो रहे हैं फिर हम स्टार्ट कर देते फिर आपने बोला कि आप ज्वाइन नहीं कर पाए ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए फिर हम अगर वो टीम को बैन करते हैं फिर बोलते हम ज्वाइन नहीं कर रहे थे ये सब ब्रो द पीपल अराउंड दे डोंट अंडरस्टैंड हम क्या बोल रहे हैं उन्हें वो सिर्फ ये बोल रहे कि हम ज्वाइन कर रहे थे बट कि टाइम वो भी नहीं देखेंगे ना क्या करें भाई रेशो का बाहुबली हंस रहे सब लोग बाहुबली के नाम से हंस रहे हैं ओके तो अभी देख ले सकते हैं आप
तो थानोस की टीम उतरी है फिलहाल मिल्टा पावर पे, एलओपी की टीम सारी जंप स्पॉट्स, बट आप फिर भी देखिए जॉर्जियोपोलिस ऑलवेज अ रेड जोन, आप देख सकते हैं. यस यस यस, देयर इज एट लीस्ट आई कैन स्पॉट डीडीआर, आई कैन स्पॉट टीसी, आई कैन स्पॉट एलई एंड आई कैन स्पॉट द टीम नंबर 5 एज वेल. सो देयर इज फोर टीम्स ऑन जॉर्जियोपोल, जॉर्जियोपोल सिटी. I was busy concentrating on 3DT who are firing at team number 12. So team number 5 and team number 12 are also taking a fight with one another. Okay, so poor Sparrow. 13, sorry. 16 यहाँ पे fight देखोगे ना आप, तो भाई सब एकदम 1-1 HP पे बचे हैं, सब भाग चुके हैं आगे पीछे, थोड़ा fall back ले रहे हैं, थोड़ा loot वूट देख रहे हैं अपनी टीम के लिए. यहाँ पे Hades की भी fight हो चुकी है with Zed. Let's get over there. कहाँ पे उतरी है team Hades हमारी? I guess team Hades is on Georgiopol container, that is Georgiopol 1. Yes. So यहाँ पे फिलहाल रिवाइव कर रहे हैं हेडीज ईशान को, और टीम सेड के बंदे फिनिश हो गए इतने. क्रो वाइट की तरफ अगर हम देखें तो थ्री मैन स्क्वाड थे, एमआरएक्स हो चुके हैं फिनिश. टीम सेड हैव अ गुड रोटेशन इन प्लेस. क्रो वाइटी इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड अर्जुन इज कमिंग फ्रॉम द राइट. बट ये रोटेशन में अगर किसी एक को भी नॉक दे दे तो दूसरे पे पूरा प्रेशराइज सिचुएशन आ जाएगा. प्रॉब्लम इज दैट दे ओनली हैव टू पीपल, सो दे डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइस. ओके, ईदर दे गो फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शंस और दे गो फ्रॉम वन. ओके, नाउ देयर इज गोना बी अर्जुन इज गोना बी एंटरिंग द फाइट एंड आई थिंक ही इज बीन स्पॉटेड बाय सैलड. लेट्स गेट टू अर्जुन देन. अर्जुन की तरफ जाएंगे. ओके, तो यहां पे शॉटगन से अच्छा सा नॉक दिया बट पीछे से कवर फायर बहुत होती आता है हेडीज की तरफ से. यहां पे पूरा फिनिश ही कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे बंदों को. सर टीम 10, ओके एक मिनट सर, यहाँ पे फाइट खत्म हो जाए वैसे हम कर देते हैं. यहाँ पे क्रो वाईटी आई गेस फॉल बैक लेते हुए दिख रहे हैं क्या? क्रो वाईटी आई गेस इज प्रोबब्ली ट्राइंग टू गो फॉर अ प्रॉपर पोजीशन बिकॉज ही नोस दैट दिस इज नॉट अ प्लेस वेयर ही कैन डू अ 1v4 एट द मोमेंट विद द काइंड ऑफ वेपन्स ही ऑलरेडी हैज. या बिकॉज़ ऑफ द लूट. यहाँ पे हम बिफोर यू एक्सपीरियो की तरफ देखें तो एक्सपीरियो पे पूरी की पूरी H2O की टीम चढ़ी है, बट एक्चुअली लोग बोल रहे हैं कि टीम 10 और रिवॉल्यूशन को स्पेक्टेट करने, तो एक बार वहां पे देख लेते हैं. एक बार टीम 10 AS की टीम अगर हम देखने जाए तो अकेली टीम है जो कि है मिलिट्री बेस पे, पूरे मिलिट्री बेस की लूट यहां पे लेके आ रहे, और प्लस एक और प्लस पॉइंट इज कि वो जोन में है. शारिंगन भाई ओवर टू यू. हां, एट द मोमेंट दे आर इन द जोन, बट देन वी हैव टू फिगर आउट वन मोर थिंग दैट इफ दे ट्राई एंड क्रॉस द ब्रिज व्हिच इज फ्रॉम द नोवो साइड दे आर गोइंग टू एनकाउंटर थ्री स्क्वाड्स ऑन दैट साइड. There's LOP, there's AK, and there's Thanos, and there's HH. All of them can block the bridge. So I hope they cross it from this end. But even if they do it from this end, they have Fakir and Mott to deal with. So it's gonna be a fun cross to see. And actually, they have got a flare drop with them. Flare drop, we got MK14 and DBS. Then if we shift towards team Revolution, so team Revolution is... dikh nahi rahi hai. Kahan pe utri hai? लूटना ही है तो रोजॉक पार्ट भी पूरा इनके लिए है एम्प्टी लूट के लिए. एंड देन इफ वी गो टुवर्ड्स हेडीज तो हेडीज के पास भी आ चुका है एक फ्लेयर ड्रॉप. हेडीज को आप एक चीज नोटिस करेंगे तो हर बार You have to see Xperio. Okay. Xperio is in the squad house and is staring at the entire H2O team right now. I think all of them want to just ensure that Xperio dies somehow. Okay, let's see. Okay. Oh my God. Okay. Oh, he's watching at Zorg, man. Actually, yes, वो Zorg को मार सकते हैं. Open में आने का wait हो रहा है कैसे यहाँ पे? एक को नॉक दिया है, जोर को नॉक करने की ट्राई थी बट यहाँ पे बीस्ट ने बहुत ही अच्छा स्पॉटिंग और कवर फायर दिखा दिया. यहाँ पे बीस्ट ओपन में आते हुए दिख रहे हैं. क्या ये बीस्ट को नॉक? ओ, बीस्ट मार दिया है यहाँ पे एक्सपीरियो को. यहाँ पे टीम किसी को भी यहाँ पे नॉक दिए बिना निकल गए. थैंक्स टीम. डीडीआर डीडीआर इन द फायर. डीडीआर वेयर इज डीडीआर?
TDR is dead. There's only one person left. I think even that person dies. AK ensured that they killed DDR. Oh my god. DDR has got off early, I guess. होने वाली है 1v4. लड़ाई होने वाली 1v4. अरे हो जाने दो. Let's see. हर एक टीम यहाँ पे कम नहीं है. यहाँ पे क्रो वाइट फिलहाल गाड़ी लेके जाते हुए दिख रहे हैं और ये मौत के कुएं में जा रहे हैं मेरे ख्याल से. नहीं ओके, बगी लेके फिलहाल जॉर्जोपोल में ही घूमते हुए दिख रहे हैं. उसको देखो, देखा ना ब्रो, देखो. ओके तो यहाँ पे आई गेस फिलहाल तो थोड़ी लूट लेके वापस आए लगता है, बदला लेने के लिए अपनी टीम का, या फिर यहाँ से निकलने की प्लानिंग चल रही है. ओके तो यहाँ से निकलने का प्लान बोल दिया है. यहाँ पे निकल रहे हैं फिलहाल सेफ्टी. ओके तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं मेरे को वो नहीं समझ रहा. क्रो वाइट यहाँ पे शारिंगन भाई. There is going to be a fight at Georgiapol City. So I think you should just tune in there right now because there's gonna be people who are gonna fight at Georgiapol 2-2. Okay, so I'm there. I'm spectating LE Newty filal. I can go to actually 3DT Rusty OP क्योंकि वो फिलहाल सबके height पे position पे है और यहाँ पे LE Newty के पे shots लेने के try. एक्चुअली यहाँ पे एली न्यूटी को यहाँ पे एक नॉक निकाल लेना चाहिए था बिकॉज उनपे 3x M4 और उन्होंने पहले से पीक करके रखा था. हार्ड पीक उनका रेडी था. यहाँ पे फिलहाल टीम ने फॉल बैक तो ले लिया है. यहाँ पे न्यूट बोलेगा डिसिंक हो गया, डिसिंक. ओके ओ भाई. So, यहाँ पे फिलहाल हम अगर देखें तो भाई एक और ड्रॉप आ चुका है टुवर्ड्स फेरी पियर. दैट इज अ सरकारी एयर ड्रॉप. एक नॉर्मल एयर ड्रॉप है जिसके अंदर आ चुकी है DBS. बेवफा गन आती है यार ऐसे इनके साथ. तो भाई आज दो एयर ड्रॉप में दो DBS आ चुकी हैं यहाँ पे फिलहाल. शारिंगन भाई आप DBS का भी यूज किए हो आज तक? हाँ किया हूँ यार. I don't know, I have mixed opinions about the gun. There are times when that gun doesn't register. There are times when if it registers, you don't need a lot of shots. You just need one, probably two tops. तो यहाँ पे EY भी ट्रांस हो चुके हैं नॉक, उनको इंस्टेंटली पिक ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे. दिस इज जॉर्जिपल 3 एक्चुअली. EY भी हॉट ब्लड पे शॉट्स देने की ट्राई थी डेविल वेदांत की. 1v4 नहीं हो रहा है ब्रो, वहां से निकल चुके हैं वहां पे क्रो वाइटी फिलहाल. यहाँ पे प्रथम वो कर दिया है नॉक देविल मलव ने. यहाँ पे देविल मलव की तरफ अगर देखते जाए तो अनाल को यहाँ पे नॉक कर दिया है वापस से. EY की टीम यहाँ पे फास्ट फाइट लेती हुई ट्रांस के नॉक का फिनिश का बदला ले रही है. यहाँ पे हॉट ब्लड हो चुके हैं यहाँ पे नॉक. क्या हॉट ब्लड बचेंगे यहाँ पे? थोड़ा सा हॉट ब्लड का बचना मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा ही ओपन में है. शारिंगन भाई, I think EYB should just go and finish Vedant off because there two people are knocked. I think they should not wait and let them get revived because it's 2v1 at the moment. It's a 2v1 situation. They have Deoxy and Pratham both on their end, and Pratham is looting right now, which probably might not have been the best decision to make. Let's see how this pans out. Okay, so we don't know actually if they have bullets, appropriate bullets for a fight or not. Okay, Pratham goes. Pratham picks. Pratham finishes nice. It off. Pratham takes off the squad. So at the end of the day, that was a good decision by Pratham to change the gun and go with another one. Okay, so he needed an automatic gun for a fight. यहाँ पे आई गेस क्रो वाइटी फिलहाल स्क्वाड हाउस होल्ड करके खड़े हैं गेस. ओके स्क्वाड हाउस, ओ भाई ये देखो, जस्ट स्पेक्टेड क्रो वाइटी मैन, जस्ट स्पेक्टेड क्रो वाइटी. इट्स वेरी फनी, जस्ट लुक एट द हाउस, जस्ट स्टेप्स ऑफ द हाउस. ओके बंदे ने दासिया को लेके फोड़ के ही हैज जस्ट केप्ट अ नाइस कैंप अराउंड. But Crew White got a headshot. Damn, was it gonna be a 1v4? Really, it gonna be a 1v4? All the effort of poor Crow Whitey goes down the drain because of an AWM. Blasted off the doors as well. So no one can go above, man. No, there's a place from behind. You can climb from behind. Yes, see, over here. If somebody goes to sleep over here and you climb on that person, you can jump and ledge grab. Over here, yeah, what Hades is trying to do. God Nixon tricks. yeah, God Nixon tricks. Okay. Need is loot. Still, they will try for the loot, I guess. Let's go to other teams. Yahan pe, I guess, team 12, team 15 and team 5 are very close to each other. Let's go there. Wahan pe thoda jaye. I want to see AKA squad. Okay, no problem. Let's see AKA.
Come down to Georgiopol City because I think that's going to be a place where fights are going to take place because there's three squads. Other than that, there are no other squads who are going to clash against one another at the moment, I feel. Okay. So there's a drop that is coming over in the red zone with an M249 finally and no DBS. Oh, nice. Okay, so Team HH has an airdrop. वहाँ पे भी, I guess, यहाँ पे Team HH, Team 16 and Team 13 will have a fight. यहाँ पे Team 15 took a shot. यहाँ पे 15 के shots आते हुए दिख रहे हैं थोड़े. Micron White दिमाग कैसा लगा? अरे बहुत सही दिमाग लगाया आपने, but भाई दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, खोपड़ी फोड़ते रहे. Hard peak लिए बैठा था भाई वो. भाई साहब खराब लगा क्रो आईटी के लिए, बेचारा सोचा चलो 1v4 करूंगा, कुछ ना कुछ तो ट्राई करूंगा. वही वहां से सीधा नहीं, अच्छा ट्राई था, अच्छा ट्राई था भाई. मतलब गाड़ी लगाना बड़ा इलेबोरेट प्लानिंग था यार, इट वाज अ वेरी इलेबोरेट प्लान. आई वुड हैव लव्ड टू सी दैट कम टू फ्रूक्शन, बट प्रोबब्ली टुमारो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम. यहाँ पे H2O थानोस आते हुए दिख रहे हैं. ओके, यहाँ पे टीम 12 ने फॉल बैक तो ले लिया, बट टीम यहाँ पे टीम 5 और टीम 15 जो कि बहुत ही अभी भी फिलहाल सिटी होल्ड करते हुए खड़े हैं. If you see Thanos and why they were good yesterday, again, if you will see, they are right in the middle of the zone, okay? You, when you hold the zone, your control, the control of your particular game goes up and you start controlling the game better. Why? Because you don't need to concern yourself with rotations right now. But they are right in the middle of the zone, holding a decent compound, which is a good compound to hold in the first place. And it's difficult to charge on a big house as well. They have a car as well, perfectly hidden, so people can't shoot the car. True. So, I like their approach to a game. They ensure that they want to win. See, one guy is in the warehouse, one guy is in the small house, one guy in the red house, and one guy in the big house. So, they're properly positioned to handle anybody who comes along, even if there's a car crash or even if people want to just assault okay, so and just get in. Block. Actually, we should go for a bridge block first. Yeah, but both, I guess, got a bridge block. Okay, yeah, but team 10. Okay, my game is stuck, I guess. Okay, so मेरा game freeze हो चुका है. आपको ये आपके इससे बताना पड़ेगा क्या हो रहा है. मेरा game freeze हो चुका है यहाँ पे. OSLR, very good shot by Hawkeye. He also got hit in return, but then he ensured that he left the person with 10 HP. AS and Moth are taking a long range fight. Sharingan, I can keep on speaking because my game is... I was just observing at Georgiopol as to how they are going to exit. Because 3DT, I don't think have a vehicle on them. And every vehicle that was there, TC took all those vehicles and went and started moving towards the zone. Okay, so now 3DT, I have a little bit of a trouble on their hands as to how they are going to get into the zone. Now that's also one thing that teams need to consider. If you land on the magic houses behind, there is a chance that people who land in the front are going to take away all the vehicles and just run off. So even though the houses behind are a better position to land because you cannot get shot from water. So EYP Pratham got knocked by TC? Yes, got finished, I guess, because I think he was the only remaining member. No. Hotblood, Deoxys, both were there. Okay, so beautiful grenade. And what a beautiful grenade by TC Payne. I must say, what a beautiful grenade. A smoking car. Okay, so I'm going back to Moth team because I can see us fight. Okay. Team Moth is engaging Team AS on the other end of the creek. They wanted to do a bridge block, but at the end of the day, they ended up fighting another team on the creek on that particular side. Thanos and Revel might have a fight with one another. If you see, yes. Revel is trying to just take the particular compound Thanos is in. But I guess they might be knowing that there is someone over there. AK is very aggressive today. Yeah, if you will see, they have started, they are on another fight. But they are with on a fight with H2O. Let's see there. Okay, so AK Thor is knocked. Yeah, RCS knocked off. Okay, Iceman. Okay,
scrap. AK got finished by Zorg. What a nice angle Zorg took. Let's get back to Revolution team because RCS knocked out Revolution Death God. Death God is getting a revive. Okay, so they are taking, I guess, a fallback because of the position the team is taken. Or they are changing some angles, I guess. Sharingan bhai? 8x. Why did they leave the 8x in the drop? That's beyond me. Santa is here, but Santa is only going to find an 8x over here, right? Hades is moving in. Newt is moving in. 3DT found a vehicle, or they're still run? They found buggies. Yeah, lucky enough, the buggies that were left behind by the Crow YT, I guess. Yes, and they are trying to engage TC outside the zone right now. Okay, so TC is actually effed up, I guess. No, TC also has vehicles, but... Yeah. But still, they are outside the zone. Okay, if they are... Yes, and because they encountered EYB... Yeah, they are right now, they are right now a little overwhelmed. With some good loot, actually, with some good loot. 4 first aids, 3 first aids, bandages, they are about 10 with every people. So, both of them are going to move in. I think both of them have started moving in. They have realized that it's better that they move in right now. If you'll see again, Thanos is in the center of the zone. Revolution left that place and went to Peripher. Okay, so nice zone Moth prediction is holding. By Team Thanos, I guess. Because they actually holded that position from very long, actually. Yeah. They held that position from very long. So then, वहाँ से अगर वो zone पकड़ के रखे हैं उन्होंने, तो उनका I guess वहाँ पे zone prediction बहुत ही strong रहा है, क्योंकि बहुत ही center में आके यहाँ पे revolution का और team 14 मौत का यहाँ पे fight होता हुआ दिख रहा है हमें. Team is taking, I guess, TPP. Revolution Jash is, I think, Jash is AFK, I guess. I thought my game lagged. I was like, oh damn. Yeah, even I did not comment for in the initial stage. I also thought my game lagged. AX Max and Noob have been actually taken off from the car by Team H2O. Let me see. Okay, so directly finished off actually. Beast BTC is just 10 HP. Okay, the car is riding for now. Okay, the car is, I guess, lagged. They are standing at a spot. They will just... Okay, so there's an airdrop coming for Team 7. That is M249. Okay, so here Thanos and Team 10 ki fight hoti hui dikh rahi hai. Team 10 ne, I guess, fallback le liya hai wo jagah ko hold dekhte hue. Team Thanos is doing an extremely well job of holding this position and not giving any other teams to close in enough. H2O is engaging Moth. I think you should go to Peripher because Peripher fights are also starting and there's three squads actually. Yes. So Thanos has took the barn houses and the broken walls around, but yahan pe Moth has less scopes, I guess. So Moth Sanjay is trying for a... Oh, damn, nice shot, Beast. Damn, nice shot, Beast, man. Rushi, I guess. His name is Rushi. Okay, Rushi. So, Rushi, okay, spotted a Beast. 3DT Sky God knocked out TC. Okay, so we can see that Fairy Pair is actually a hot zone, red zone kind of. Oh yes. Yeah. We have Team 19, Team 14, Team 11, Team 6, as well as Team 23 and Team 10 waiting for a backstrap from behind. Okay. The AS Warrior has spotted Team 23 DL. I am shifting to a world view. I'd like to see every squad there is to see. Okay. Just taking AS view because they are ready for a backstrap actually. I'm going for Moth right now. Moth is holding the lower compounds. Iceman, I think, is not in a good place. If HH can spot him, he's gonna have some real issues. He realized it. He's getting back into the barn house. Okay, another barn house is being held by Team DL.
and actually, and I guess escape from here is very difficult from now. Yes. And the port at Ferrypier is being held by HH. So let's see, everybody have found out what position they want to hold, and Team Revolution is holding the back end of Ferrypier. Okay, so the one where the water tank is. Thanos, the position they were holding is now out of zone. So this position, now, I guess now Team Thanos. Now I'd like to see how they rush on Ferrypier, because I think Ferrypier is the zone is going to be. And 3DT are panning each other. I don't think so, but I think the team AS, where Team AS is holding, is the place where the zone is going to be. I guess because the zone is shifting towards the bottom left, so it's the time for a bottom right, I guess. Let's see. Okay, so Team 23 DL, QBA. There's a rush, Team DL. Rush. Team DL got rushed. Nice. Very nice nade from Moth Sanjay to actually knock off and finish off other players. Team Revolution, just a minute, buddy. This place is about to get a very fast entry. Moth Sanjay, and I guess, is planning to enter, I guess. It's going to be 2v2. Moth Raj is here. Okay, they have entered. Moth Raj started. Nice try by Team TC, but at the end, Moth takes the fight off. We can see Team 15, TC. Can see Thanos is taking the shack. Sniping. Yes, they are sniping. For now, they are taking a very difficult edge. For the first time in this match, I have seen Team Thanos take an edge of the zone. Team Revolution. Okay, we will spectate Team Revolution. Okay, Team Revolution is going out of the zone. No. Team Revolution is trying to come into the zone. Into the zone. Okay. Team 19 is Team Revolution. A big shot at. Moth is shooting at them. Team HH. The Team 19 is very close to Team H2O as well as Team 9, HH. And they have a very low range, I must say. We stay at Ferrypier. I don't know why Iceman has a habit of going out when he doesn't need to go out. Actually, they must hold this position. Almost got knocked because of it. So he is actually kind of a surprise element. He thinks he can go for a surprise element, but can get a surprise in return actually. Yes. Yeah. Aryan is moving in. Okay, Aryan. We can see HH Shashin taking a perspective from the left so that they can go for a left rotation to the zone. Hades Salad is actually taking fight. Let's see. HH Joker knocked off. H2, I guess. Fakir Ninja seems to have gone AFK. He's right behind Team AS, and Team AS don't even know that he's AFK in a buggy. Okay, wait a minute. We can go to Team Thanos because Team LOP has divided into two parts and have, I guess, started rushing. Damn, for the second time my game has actually crashed. What is happening? Don't worry, Team Thanos is holding the small shack which they were holding right now. Kaptaan is coming from outside the zone. And Kaptaan goes down. By Team Thanos? By Team Thanos Santa, yes. Yep. I think the zone damage was too much for Kaptaan. Big fans, sir. Are Python, bhai, welcome to the stream. Hades Ishan Nobda. Bro, don't call anyone. Kya hoga? Kya bol rahe ho? Do bar knock hua. Sab noob hai, bhai. Sab noob hai. Sab pro hai. And oh my god, 3DT. And 3DT is over. They have been taken out by Thanos. It's a mayhem at Ferrypier. Let's see. Wait, I'm joining. Revolution is taking a fight. Azim Karabi, best commentator. Oh, bhai. Revolution took the squad house. Damn for the zone, man. Damn for the zone. You predicted it very nicely. Oh,
accelerate actually now coming into the party very lately, but and two of their players are knocked. Daku and Poseidon are the only two players remaining. Asani knocked off AS Warrior, his own teammate actually, with a grenade. All's happening right now. Sar caster Nuvda. इसके लिए तो competitive खेलता नहीं, cast करता हूँ. I guess I will take a world view now. Thanos is moving in on HH. They are trying to move in into that position, but HH can take them off. They are out in the open. Come on. I'm expecting it. Oh no. Thanos, Happy is knocked off. Happy is down. Godgiven is knocked off. Santa is alone. Okay, Santa is knocked off. Santa is trying to finish off HS Darshan. Okay, three of the Thanos are knocked off. Only RCS is remaining. RCS is also. He's too far away to save these guys. Where is RCS? Three of them are dead. RCS here. RCS is on a stone. He was recovering from the last fight they already had. Slight miss out on the team coordination part. And you are spot on as far as zone prediction is concerned. Yep. I thought it because the zone will be 90%. Okay. Revolution's about to go down. The Revel Josh is knocked off. Let's see. Rebel this can. God. God has knocked. Nice. He's trying to finish off and got a cover fire, but he was able to finish off H2O Thanos XOP. हमें भी अपना gameplay दिखाना है. तो आ जाओ खेलो. आपका ही system से. Thanos RCS is alone over here. Thanos RCS is dead by Team HH. Team HH takes so off Thanos. So yesterday's winners DDR and Thanos both are out of the game today. No, it's very good to see Thanos, other teams coming up and taking the challenge. Yep. Revolution OP. Revolution is playing OP. Nice. Okay, so AS Sani is going to the edge of the zone. He's taking a but where there's a rotation from outside the zone by Ali. Nude got knocked from a three-wheeler. Oh, damn. Okay, we can see God OP over here. Taking the spot. Okay, H2O is moving in. And HH is moving in behind H2O. This is going to be a fun fight. Let me split it. LOP has fight with Hades. Yeah, Hades drone ho chuka hai. Knock. Hades salad. Oh, AS Sani was just Hades sitting there. They didn't notice. Hades is under a very difficult position right now. Only Zorg YT remains from H2O. LOP Thomas is very low actually. He must heal off first, I guess. Okay, so there's a glitch on my side. Show Team Alpha. Oh, bhai. Ek second, ruko bhai. Ek second, abhi karta hun. Revolution was picked. Entire H2O was wiped off. Credit to AS Sani and HH. Okay, so two-man fight? Two-squad fight against H2O. Okay, so Revolution. Okay, I'm spectating Aryan OP. Revolution left. Revolution ka tapa tap kar dala. Oh bhai. Yaar fir bhai team baja rahi hai. Revolution ka tapa tap ho gaya. Hades Ishan is taking a very edge zone rotation. He can actually spot LOP Thomas. Okay, LOP Portrait is now revived. Okay, LOP Portrait knocked off Hades Ishan. I guess this is going to be a havoc right now. Portrait entered. Portrait got knocked. Thomas takes off Hades. Oh my god, very nice fight. Oh, ultimate clutch by Thomas. Very good, very nice clutch by LOP team. I guess Portrait was a bait for the team. We can spend it any Joker. We can call it a bait because they have gone for a victory right now. So HH is in front of Team LE. Let's see. There's 4v2. AS Sani has been taken off by HH Darshil. Okay, so there's only three teams that remain now. Like so I said, 4v2v2. They have took a nice. Okay, Aryan can see. Aryan can knock. Oh, damn, nice Aryan man. Okay, we can see God OP is, I guess, outside the zone yet. He is crawling inside the zone, but he will be spotted off.
and he's been taken off by Team HH. Let's go to Team HH now. HH is sneaking and proning and getting inside the zone. Well, Team HH is in the zone, but Team Potter, Team LOP has to get in the zone. HH maregi bhai, HH maregi. Nice. I'm taking a very nice world view right now. Let's see if this might work. Okay, I can see Thomas. Thomas is waiting and biding his time. I really think team LOP have a good chance because they are at a height. If they can spot quickly, I think they can take off. HH. Very low. A very nice flank. Oh. Thomas gets knocked off. Aryan with a very good flank. Very nice. Okay, LOP botted has been spotted off. HH has took the fight and won this fight. Very good game. Very good game by HH. That's 5 and 3, 8 and 3, 11 and 12 kills. Very well done. Okay, so we can see here. Team AS is 4th, LE came 3rd, Potted LOP team came 2nd. Today Team Fakir came 7th with ultimate level survival skills. Only one kill, but they still made it to 7th. Very nicely survival. Okay, you can see Team Revolution with actually 3 and 4 kills. Okay, I thought 0-0. Accelerate team came 10th with 0 kills actually. Accelerate were at Primosque. So they did not move until the end because they never had the need to move because they were always in the zone. By the time their time came for them to move, they were caught. And that's why Accelerate were a little off the pace today. Accelerate is actually bringing everyday new players. I guess they need to find a whole lineup with them. Yeah, and I think there were only 3 players today, right? No, they had 4 players. No, I did see Poseidon yesterday. Poseidon is kind of regular. You can see Daku. You can see Aditya coming in place some days. They don't have think a regular, I guess. Team coordination and team chemistry does matter. And if they want to really win, before you T2 Elite Customs, they'll need all of that to win that. If winning were easy, everybody would have been a winner, right? Hello? Yep. Okay. I just need to keep checking with my connection. Okay, so can we make the second room because we are actually on time, 3:45. Third with zero. 1 second. Damn. Just doing it as we speak. Nice. LOP maregi, big fan before you. Array technical Pratik. Welcome to the stream, Kalchal. Do hit the subscribe button. Team Sed dikhao. Sed to sad hoke bhai mar gayi thi actually starting mein thodi. Team Sed ka sad ho gaya tha thoda start mein aaj. Okay, Sarcaster, I am passing on. Bro, the we survived till end, that's a big point. We lost one guy in the beginning and another between without vehicles. In between without vehicles. We came till here proud of my team. No problem, buddy. It's just that you could have done better. It's just that HH got a good spotting skills and he spotted. And actually HH got a very nice flanking actually. HH Aryan, I guess. Yes, HH Aryan was good on the flank. Otherwise, LOP Thomas was at a very nice place. And Potted, you played very nicely, bro. I must say that. Thomas, good clutch. A very good clutch by Thomas actually. Thomas, yeah. Can you invite me, Sharingan bhai? Yes, 1 second. I'm doing that. Next match team Sed karega dekhna. Kyun nahi bhai? Let's wish them a luck. Hona chahiye. And both you guys doing great job. Thank you, Potter. Thank you.
Shanigan bhai. Yep. Sorry for the background voice. It's okay. I'm taking a very short water break. I'll be there in few minutes. Yes. Till then, I'd like to, if I'm on the stream, I'd like to say a few words. If you will observe, every time the zone shifts on this particular side, as observed by Sarcaster, all the IGLs can take cue over here, that it always, more often than not, ends up on that particular hill over Ferrypool. Yep. Okay, so everybody need to realize this, that if that is going to be the case, AS had already foreseen that and were already there and had taken positions. It is just sad that AS never had the advantage over there. Otherwise, as far as positional sense is concerned, AS did a very good job in ensuring that they stay in position. Is the ID password shared? Nope, I'm sharing it. You keep on talking, I will just share it. Yes. So, that needs to be taken into account by every IGL there is, that you start observing zone pattern and start ensuring that your team is in a position to take the zone as quickly as possible or as late as possible. See, there's two kinds of players from what I have observed, and there's two kinds of teams from what I have seen as well. Either you are a late mover or you are an early mover. Based on what kind of a team you are, you can plan your strategy. But zone prediction is going to remain the same for each and every team. That's not going to change. So start predicting it based on the algorithm, start studying it. The more you study it, the more you will know it, the better position you will finish it. It's as simple as that. Sarcaster, you want to add anything to what I just said? Nope. Or is still the water break on? Back, I was actually sharing the ID pass in the group. I was just saying that Pothead says that they were 4v2, we don't have healing and nade. In the end, good team wins. HHOP. A very good sportsman spirit by Pothead, I guess I must say. I will say very good sportsman spirit, and I will also say that credit to headhunters. See, if you don't have healings and if you don't have material and if you don't have guns, you cannot blame luck for it, is what I feel. Okay, it's you. You had an entire half an hour to collect what you needed to ensure that you can win a fight. If you cannot do it in that time and if other teams are doing it in the same hour, I think there is some fault with the team as well. I don't say that LOP were at mistake over here. Please, I am making it very, very clear, okay? LOP were perfectly alright. I think they did a fantastic job. They were two man down, not only one. They were 2v4, so it was always going to be a difficult task to win it from there. But still, they gave a good fight and I'm very happy about it. But four people will always be four people. Four people with guns will always be more than two people. True. And I was actually, I can say it very clearly because maine pehle hi soch ke rakha tha. Actually, main bahut hi openly bol raha hu. But I thought LOP will actually get off very early in this game. But they but came still, very yeah, ahead. Yes. And really saying, I thought that because, देखो, क्योंकि Thanos बहुत ही अच्छे से zone center hold कर रही थी, and then वो पीछे चले गए, edge zone पकड़ लिया उन्होंने, उस point पे ऐसा हो गया कि कोई teams वहाँ पे आ नहीं रहे थे, but then जैसी Thanos ने openly बहुत rush कर लिया बिना किसी throwable का use किए, वहाँ पे उन्होंने I guess गलती कर दी। हाँ, I don't think it was only throwables, but मेरे हिसाब से it was very odd, and I would say this was a surprise to me that Thanos lacked a little bit of coordination. Because Arasius, if you saw, was at the stone, okay? So they were already rushing 3v4 at HH. And I knew at that point of time, I was on world view at that point of time, one person from HH was at 10 HP. If HH would have HH ever come on the stream again, they would be able to corroborate this. One person was at 10 HP. He was taking a medikit. By the time he finished the medikit, Thanos was already there, but then it was a little too late, few seconds too late, and Thanos got wiped off. And it was difficult. They had three cars. HF had three cars as cover. Thanos was rushing in without any cover. Now that's going to be difficult. So even if they are very, very good shooters, it's going to be very difficult for them to take them off when HF had cover. Actually, Zubair Sheikh says he wants to all the casting in Hindi. By Hindi mein baat karo.
सारा हिंदी में बात करेंगे ना मेरे भाई, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि जो लोग हिंदी नहीं जानते, जैसे कि काफी साउथ इंडियन जो होते हैं जो लोग हिंदी कम प्रेफर करते हैं, अंग्रेजी देख रहा हूं ब्रो, उतना प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है बट उस लेवल तक ला रहे हैं, वही हमारे लिए बड़ी बात है। भाई भाई मैं हर्षा भोगले बनेगा भाई, मैं सिद्धू ओए गुरु हो जा शुरू, कोई नहीं मजाक चल रहे हैं, मेरे को सीएम बनने का कोई शौक नहीं है फिलहाल। ओके सो मजाक के बाद साइड पे रखते हुए देखो हम नहीं, दोनों तरीके से ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी में जरूर बात करेंगे। जुबैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया पॉइंट आउट करने के लिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ज्यादा बात करनी ही चाहिए, पर क्या है कि सब व्यूअर को देखने में मजा आना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वी शिफ्ट टू इंग्लिश एट टाइम्स और कभी कभी हिंदी में बात कर लेंगे। बिग फैन सरकास्टर, अरे आदित्य ब्रो बिग फैन, फकीर ओपी, अरे फकीर ओपी खेला अच्छा खेले, मैंने उनको एक्चुअली आज मेरे स्ट्रीम पे पहली बार देखा है, आई डोंट नो मेरे आने से पहले अगर वो लोग थे कि नहीं, बट आज मैंने उन्हें पहली बार देखा था, एज पर द मैच इज कंसर्न वो लोग बहुत ही अच्छे रैंकिंग से लेके आए अपने मैच को, 7 था है, फकीर 7 था विद 1 किल, बट उनका लेट रोटेशन स्ट्रेटजी था, दे वर द पीपल हु वर रोटेटिंग लेट अप टिल द लास्ट 3 जोन एंड दे वर ओनली 3 पीपल, दे वर नॉट इवन 4 पीपल, सो इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैव हायर फिनिश, बट स्टिल दे फिनिश 7th. That's above a lot of teams who had all 4 people. Actually, I guess team DDR actually very finished off very fast. Last, I first yeah. I guess. बहुत जल्दी मरे हैं. TC finished off DDR in a surprise move. And I think DDR is going to come back very very strong in Miramar. Because they are a team who don't like to go out that quickly. They are a team that like to prolong that the fight. DDR characters actually spawned up in the room. क्लैन में बंदे भेज ब्रो, अरे ब्रो मैं क्या यहाँ पे तेरे को अभी वर्ड नहीं बोलूंगा वो वाला क्या बोलूं अभी तेरे को ब्रो वो दिख रहा हो क्या तेरे को भाई, यहाँ पे डीलर दिख रहा हो तेरे को भाई, कैन वी यूज द इंग्लिश वर्ड फॉर इट और इन द इंग्लिश वर्ड इज आल्सो नॉट अलाउड, नो इंग्लिश वर्ड इज ओके, आई वाज गोइंग टू से द हिंदी वर्ड, सार्केस्टर इज नॉट अ पिंप, ओके पिंप इज ओके, आई वाज गोइंग टू से समथिंग बेटर मैन बट आई एम ऑन सो रियलाइज्ड And then I said, exactly. रुकना चाहिए थोड़ा यहाँ पे, अपनी भाषाओं पे थोड़ा लगाना चाहिए ब्रेक। So, Sarkaster, how many teams have joined? It's actually 15% have only joined yet. I gave them time till 4-5. I guess we will start by 4-5 maximumly by 4-10. Yes. No. Don't keep it 4-10. We don't like to keep the regular ones waiting. People who are on time waiting. On the contrary, we should appreciate the people who come on time because discipline is going to be appreciated. To be very honest, yep. People who are regularly on time, who are putting an effort to come on time, should be awarded and rewarded. So I'm going to start on time today. I can see AS 3 people have joined. DDR only one of the beauties have joined. The other 3 beauties still remain. EYB is 3. इधर कस्टम खेलने वाले बंदे नहीं बहुत, अरे तो ब्रो गरीब को मदद कर, गरीब को मदद कर, मैं देख तेरे को सिर्फ इतना बोलूंगा कि तेरे को अगर अच्छे बंदे लाने हैं ना तो सबसे पहले उनको ट्रेन कर, खुद ट्रेन कर, दूसरों को ट्रेन करवा, और क्लासिक मत खेलो, देखो क्लासिक इज फॉर फन एंड सीनर्जी, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, ट्रेनिंग रूम्स खेलो, ट्रेनिंग रूम में अपने अपने बंदों को भेजो, ड्रिल्स करवा उनसे, भाई जो तू बोल रहा है ना गरीब को मदद कर, ऐसे कैसे बंदे नहीं है, सबको बंदा बना ना तू, सबको कस्टम्स वाले बंदे बना, चल यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट फाइट आ रही है, टीयर 3 लेके जा, जहाँ पे अभी भी जो टीम्स ग्रो कर रही है उनके पास लेके जा ना, तेरी भी टीम ग्रो कर रही है, लेके जा फाइट करवा, और तुम लोग भाई सॉफ्ट ड्रॉप कितना कर रहे हो मेरे को वो दिखाओ, तुम्हें हर बार मैं देख रहा हूँ कभी जार्की जाके सॉफ्ट ड्रॉप ले रहे हो, ये कर रहे हो, फाइट नहीं लोगे तो कैसे, आई एम रेगुलर ब्रो, मैं कहाँ ना बोला, Sharingan bhai, anything? Yes. For upcoming teams, because मैं एक चीज notice कर रहा हूँ, accelerated team कोई भी map देखो, fights बहुत ही कम ले रही है, या तो ले ही नहीं रही और ले रही है तो पहली fight में कभी-कभी तो मर रही है। I have an opinion on this one. See, I don't mind accelerated approach, okay? That I want to go deeper into a game. I don't mind that approach. My problem is that once you start going deeper into a game, no. You died, okay, you died once, you died twice, you died thrice, you died for an entire week, fine. Did you learn anything from the deaths you encountered?
is what I'm pointing towards. यार देखो, अगर जल्दी भी मर गए, लेट भी मर गए, मरना तो है ही, मरना तय है भाई, एक ही टीम जीत सकती है, बाकी 22 या 23 टीम मरने वाली, पर मरने से तुम क्या सीखे ये मैटर करेगा। और वो अगर सीख तुम लोग अगले हफ्ते ले आए ना, तो तुम लोग मारोगे और वो लोग मरेंगे, ठीक है, पर सीखो। इट इज नॉट, ये मेरे को कहीं से भी सीखो, जैसे कि इन्होंने कहा T3, जैसे सार्केस्टर बोला T3 खेलना शुरू करो, मैं बोलता हूँ T2 ही खेलो, अच्छे बंदों के साथ ही खेलो, ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस करोगे, ज्यादा जल्दी सीखोगे, पर उसके लिए आंख कान खुले रखो, देखो बाकी टीम्स क्या कर रही हैं, कैसे जीत रही। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया तो स्पेक्टेट छोड़ के चले गए, चल तेरी मर गए, वापस लॉबी में जाके बैठ गए, नहीं देखो, करो स्पेक्टेट कि बाकी टीम्स क्या कर रही हैं, कैसे जीतने वाली, वही गेम देख सकते हो ना आप, अगर वहां से निकल गए तो स्ट्रीम पे जाके देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यू वॉन्ट टू हैव अ गुड टीम गोइंग अहेड इन टू द फ्यूचर, यू नीड टू लर्न फ्रॉम अदर हु आर ऑलरेडी डूइंग वेल और हु आर ऑलरेडी एट अ हायर लेवल देन यू आर। ये करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जो सार्केस्टर ने कहा है करो, ट्रेनिंग रूम्स रखो, TDM खेलो। आज सार्केस्टर, आप क्या बात कर रहे हो, आज सार्केस्टर मुझे बता रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्लोज रेंज में, पूछ लो सार्केस्टर से। हां एक्चुअली ऑफ स्ट्रीम पहले बात हो ही रही थी इस बारे में। हां लव फ्रॉम EYB, अरे EYB वेलकम टू द स्ट्रीम बडी। EYB प्रथम, गुड क्लच प्रथम, गुड क्लच, अच्छी गेम निकाली वहां पे। एक्चुअली प्रथम को हमारा कॉल था कि बहुत जल्दी घुसना चाहिए था, बट प्रथम ने अपनी गेम स्टाइल से रुका, गन उठाई एक अच्छी, फिर घुस गया। उसने बाद में प्लेयर का वेट नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि उसकी गन गेम इतनी ये है कि इतनी कैपेबल है कि दो बंदे लेटा सकती है। प्रथम यार M16 लेके घुस जाता है यार। आई वांटेड टू सी एन M16 OP क्लच डूड। जॉनी स्टाइल क्लच देखना ना मेरे को, याद रखना। क्या बात बोल दी शारिगन भाई ने, अदनान खान बोल रहे हैं, क्या बात बोल दी शारिगन भाई ने। चलो मैं स्पेक्टेट में आ रहा हूँ आपके साथ। 21 नंबर दिखाओ भाई, तुम भाई 21 नंबर ये देखो, अभी से देखना शुरू कर लो, देखो देखो भाई, सीएड का फैन फॉलोइंग मैं बता रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा खेलने लगे, T1 खेलने लगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार पे अच्छी क्लैन तौबा पुकार जाएंगी, बोलेंगे सबको सब सीएड ही देखेंगे। बंदा कहाँ चला गया सीएड का? सीएड वालों जरा थोड़ी फीमेल फॉलोइंग भी भेजो जरा इस स्ट्रीम पे, हम भी खुश हो थोड़े। मस्ती कर रहा हूँ। नहीं नहीं मस्ती क्या है, सही बात बोल रहा है। सी एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट व्यूअरशिप एंड वी वांट व्यूअर्स फ्रॉम ऑल फैसेट्स ऑफ लाइफ, ओके, kids, elders, young boys and girls from your particular age group, elder boys and girls from other age groups also we don't mind. At the end of the day, we want a very very diversified viewership where everybody can come in, everybody can contribute, and everybody can ensure that this stream becomes a very well watched and a good entertainment quotient for everybody around. समझ रहे हो बात को? तो बंदिया भेजो, सही बोल रहा है सार्केस्टर, बंदिया आएंगी तो आप लोग भी अपने आप आओगे देखने, वो भी हम जानते हैं। अच्छा आदित्य पाटिल सार्केस्टर वो टिप्स प्लीज। देख सबसे पहले एक ही चीज बोलूंगा, तो अपनी लाइनअप जो है ना, जो रेगुलरली आ रही है, वो चार बंदे ही भेज यहाँ पे, बोलो अलग अलग कस्टम्स उठा अपने चार चार बंदों के, इसमें ना अपने पूरे क्लैन को डिवाइड कर। अब तू मानेगा नहीं, हमारे व्हाट्सएप पे ना बीफोर यू के कितने टीम से, कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, तेरे को आइडिया भी नहीं है। मेरा एक दिन फोन ओपन करके देखेगा ना, तो ऊपर ऊपर मैंने पिन करके रखे ना बीफोर यू के 5-6 ग्रुप तो ऐसे ही पड़े जिसमें हम लोग सिर्फ है ना इंपॉर्टेंट बात कब करनी हो ना तो ही आते हैं उस पर, वरना सिर्फ वो ऐसा है वहाँ पे बात करने के लिए। तुम पहले अपनी टीम को अंदर ही अंदर डिवाइड करो, अंदर ही अंदर सब टीम को एक एक IGL दो, मैं बोल रहा हूँ IGL नहीं है तो एक बंदे पे जिम्मेदारी दे दो। ये लोग चार टीम, चारों फिल्टर बनेंगे, चारों अपने हिसाब से बन के सिनर्जी बनाएंगे अपनी अपनी, समझ रहे हो? ये करने के बाद में यू कैन एक्चुअली कीप अपने खुद के पास में, अगर ये होगा तुम्हारे पास में रूम कार्ड्स, तो तुम अपनी टीम्स के बीच में फाइट करवाओ। अब तू मानेगा नहीं, हम बीफोर यू वालों ने भी ट्राई किया है, हम सैनोक ये खेलते ही बूट कैंप ओनली कभी कभी करते ही हम लोग भी। शारिंगन भाई सही बात है, दैट्स करेक्ट। ओके वेल सी, at the end of the day it's organization and that organization will show when you play your game.
if you will know, now the game is not only played on the ground or on the map, okay? More so it is played in your minds and off the map. Planning stage mein kya ho raha hai, kaun kya karne wala hai, role kiska kya hai. अगर प्रैक्टिस करोगे ना इस सब चीजों की, बंदे को बोल के बिठा के समझाओगे ना, हम लोग को आवर लीडर्स टेक आउट हाफ एन आवर वन आवर पर पर्सन पर प्लेयर. दे कम एक्सप्लेन टू अस व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू इम्प्रूव, वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, वेयर वी आर गोइंग राइट, व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ आवर प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी ट्रैक, एवरीथिंग ए टू जेड सारी बातें बताई जाती है हमको. और अगर हम नहीं करते ना तो यही लोग हमारी क्लास भी ले लेते हैं. तो यही चीज बाकी लोग भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने अपने अंदर अंदर. और नॉर्मल क्लास कैसी होती है? नॉर्मल क्लास ऐसे होती है कि एक टीचर 100 स्टूडेंट्स, यहाँ पे चार टीचर होता है और एक बच्चा होता है. तो अब समझ ले तुम्हारी क्लास किस लंबी लगती होगी, कितनी लेवल की लगती होगी. सिर्फ एक ही चीज है कि तुम्हें ना एक बोलते ना अपना टीम में पोटेंशियल ढूंढो और उस हिसाब से टीम को डिवाइड करो. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे एक अच्छी टीम बनाओ और एक सबसे बकवास टीम. अच्छे प्लेयर्स को ही डिवाइड करके सब टीम्स में भेजो, सब टीम को एक लेवल की बेलाओ. आई एम क्रो वाईटी, एक बार शाउट आउट दे दो. अरे शाउट आउट टू क्रो वाईटी मैन. शारिंगन भाई कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? क्रो वाईटी यार, क्रो वाईटी व्हाट अ फॉलबैक यार. क्रो वाईटी वी फेल्ट रियली सैड व्हेन वी सॉ दैट AWM शॉट हिट योर हेड. मैं और सार्केस्टर तहे दिल से बहुत हम लोग को बुरा लगा, बुरा भी लगा और बस जो तुमने मतलब जो हाँ हंसी भी हंसी भी थोड़ी आई, मजा नहीं कर रहा क्योंकि मेहनत बहुत किया था यार. पूरा गाड़ी वाड़ी लगाया, दरवाजा वरवाजा तोड़ा, पूरा मतलब सेटअप करा था कि आज तो देख ही लूंगा सबको. दिक्कत ये हो गई कि वो बंदा दूर से देख गया आपको, और पट से पड़ा एक. उस चक्कर में सारी तैयारी दरी की दरी रह गई. भाई तूने अगर रिकॉर्ड किया रहेगा तो मैं बोल रहा हूँ टिकटॉक पे डाल दे, बहुत व्यूज है, बहुत व्यूज है. बिफोर यू में दिखते नहीं ब्रो, बिफोर यू में दिखते नहीं. कौन ब्रो? मैं बिफोर यू में ही तो हूँ, ये देखो, ये रहा मैं. आई थिंक देयर आर सर्टेन पीपल हु वर नॉट सपोज्ड टू जॉइन हैव जॉइंड. नो लेट्स सी, अगर कोई भी इश्यूज होंगे तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमें मैसेजेस आ जाएंगे जल्द से जल्द. हमें मैसेजेस आ जाएंगे. सो यहां पे DDR की टीम आ चुकी है, अच्छी खासी पूरी फुल हो चुकी है. ऊपर का देखो रहा तो 8 स्लॉट तक सारे फुल हो चुके हैं. टीम 9 एक 3 मैन स्क्वाड खेल रहे हैं, बाकी AS भी फुल है. ओके यहां पे अच्छी खासी टीम्स आ चुकी हैं. मेरे को आई वुड लाइक टू एड्रेस टीम TC ओवर हियर. टीम TC दो दिन से बेचारे 3-man स्क्वाड ही खेल रहे हैं, तो 3-man स्क्वाड पे जीतना मुश्किल रहने वाला है. जबकि TC ने आज DDR को बहुत अच्छे से डील किया, उन लोगों से बहुत अच्छे से उनके ऊपर किया, अच्छे से उनको फिनिश भी किया, पर आगे चल के फिर वापस फिनिश नहीं कर पाए. मैं हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया TC, वेरी गुड. आई कैन सी अ फोर्थ प्लेयर इन टीम. If my word is gonna have such immediate effect, I should start speaking on some other matters as well. Oh my God. Okay. Are we going off topic? I guess. Off topic. नहीं, I only in PUBG, dude. Okay, only in PUBG तो ठीक है फिर. वरना फिर मैं off-stream एक चीज़ मांगने वाला हूँ जो मेरे को चाहिए actually. I am ecstatic to see my one of my favorite lineups at slot number 25 to have arrived. So before you आ चुकी है, बस एक बंदे की कमी है. Actually we are late, we are 4-6 हो चुके हैं यहाँ पे. बस यहाँ पे एक मिनट ही, AK साइबॉग जैसे ही स्लॉट पे चले जाते हैं. We guys, we should start. I will wait for one more minute. I will wait for that will be 2 minutes beyond our allotted time. I am waiting because said our highly followed clan. Oh I don't have a fourth still. Okay. And Marvel Alex, if I am not wrong, is the only player in team 20. Dude, if you, I'll not be able to, even if you get into the game. Miramar is a place where 2-man squad, 1-man squad is never gonna win. No, it's not only about winning, but it's more about a thorn. And if you, what would you, I am pretty sure what you would do is that you would kill one person in one clan. And then you might also get killed. But you are spoiling the game for somebody else as well. Okay, so team 20. Asif game. Okay,
I guess. I think team 20, there's something wrong with team 20. 1 minute, let me check the team list first and then I'll just start. Team 20, team 20 is team Hydra. Okay, so I don't think I'm kicking Wolf off Asif out. Hydra hasn't come. So Hydra will get a ban, I guess. Okay, fine, fair enough. So I think we are starting now. I don't have any other player. Yep, the match has started. I guess aaj hum time pe abhi ye wala match to I guess time pe start hua hai. Wait bro, arre bro, tum ब्रो तुम्हारा बंदा आ चुका है अंदर एक बार, फिर बाहर जाने की क्या जरूरत थी मेरे को ये बताना एक बार. सेड सैड लगा यार सेड के लिए. ओ भाई यहाँ पे सेड सब एक दूसरे की मजाक पे मजाक उड़ा रहे हैं, खराब लग रहा है मुझे अभी सब टीम्स के लिए. सी इज ओके, इट्स ओके, ओके फाइन. एक सेकंड में माइक ऑफ कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीम पे एक बार आवाज़ सुन लेता हूँ क्या हमारा कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, वरना कल के जैसा हो जाएगा थोड़ा. DDR कैक्टस सर पे टियारा मस्त एकदम फील में पूरे मेरा मार के फील में कि सर पे थोड़ी ठंडक लगे इसके लिए मस्त फ्रेश हाँ. फ्रेश फ्लावर्स लेके आते हुए डेविड टियारा टियारा लगाए हुए हैं यहाँ पे. हम देखे तो LOP पॉटेड का आ चुका है प्लेन. इन्होंने आज पॉटेड यार फिनिश विनिश नहीं लगाया आज. ओके तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ. तो यहाँ पे प्लेन पाथ देखे तो हम इम्पाला से करके एल पोजो तक का है. बीच में ला बेंदिता है, पिकाडो है, पावर ग्राइड है, मॉन्टेन्यूओ पे उतरेंगे, सैन मार्टिन पे टीम्स मुझे हर बार दिखती हैं, दो स्क्वाड्स मिनिमम जाती हैं. मिनास जनरल्स पे आज मेरे को आज तक कभी बहुत टीम्स गई नहीं है, मुझे दिखी नहीं है. और दूसरी तरफ देखे तो जंक यार्ड पे भी टीम्स उतरती ही नहीं है आजकल. ग्रेवयार्ड पे उतरती हैं टीम्स, ग्रेवयार्ड पे टीम्स लैंड. एंड If you will see, once upon a time, you remember we used to take a fight at Hacienda? एक जमाना हुआ करता था Hacienda उधर के लिए देते थे. Just a hottest drop on Miramar. वहाँ पे तीन squads नहीं होते तो वो lobby सबसे घटिया lobby थी. आजकल सिर्फ एक लव एक लगी जाती है team जाती है Hacienda पे. But वहाँ पे आप देखोगे तो सबसे best loot मिलती है Miramar की. Literally best और सबसे कम जगह पर. ये बात तो है. आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई पीपल यूज्ड टू लैंड देयर वंस अपॉन अ टाइम. आई डोंट नो व्हाई इट हैज बिकम अ लेस ऑफ अ फ्रीक्वेंटेड ड्रॉप जोन. एक बार खुद जाके देखना पड़ेगा ऐसा लग रहा है. हां मेरे को भी मन कर रहा है अभी जाने का वहां. ओके तो यहां पे सैन मार्ट. ओके तो यहां पे बोलने पे हसीएंडा पे दो स्क्वाड्स पहुंच चुकी है, फकीर और टीम और टीम 3. तो यहां पे हम देख ही लेते हैं एक बार. हसीएंडा पे आई गेस सिर्फ एचएच गए हैं इफ आई एम नॉट नहीं और सिर्फ फकीर और ईवाई भी गए हैं. सैन मार्टिन में 3 टीम्स हैं बट यहां पे सैन मार्टिन की फाइट थोड़ी लंबी चलती है तो हम फिलहाल हसीएंडा पे ही रहते हैं कि हसीएंडा पे फाइट तो भाई चली. अरे हसीएंडा पे मुक्के हो जाएगी अभी देखना. शॉटगन मिल चुका है फकीर. अगर नहीं मिली अगर गन नहीं मिली तो बहुत मजे आएंगे. मिल चुकी है फकीर काल को यहां पे शॉटगन एसकेएस और यूएमपी. यूएमपी अभी शॉटगन गिरा दिया. अरे भाई आई वाज इंटरेस्टेड इन अ मेली वेपन फाइट यार. ओ भाई यूएमपी प्रथम टुक अ वेरी नाइस टीपीपी. सरप्राइज एमएफ हो गया है फिलहाल फकीर काल के साथ. यहां पे ईवाईबी प्रथम ने सीधा फकीर काल को फिनिश किया. ओ भाई फकीर और हॉट ब्लड विद अ म्यूटेंट शॉट. वेरी नाइस शॉट्स मैन. यहां पे निंजा एकदम से जज्बात बदल गए. निंजा पे गन ही नहीं है फिलहाल, बाहर सोए हुए हैं. यहां पे प्रथम उन्हें स्पॉट करेंगे, देख रहे हैं 2 मिनट फिर मारे हैं. ओ भाई साहब फकीर के लिए खराब लगा मुझे. यहां फकीर की टीम हो चुकी है फिनिश. लेट्स गेट बैक टू सैन मार्टिन क्योंकि सैन मार्टिन में उतरी टीम 12, टीम 8, टीम 13 और टीम 6. यप टीम 6 के दो ही बंदे हैं. एपी और गॉडविन पीछे की तरफ, फरासियस और सांता आगे. ये आई गेस एक प्रोफेशनल ड्रॉप दिखता हुआ दिख रहा है क्योंकि देख रहे हैं तो टीम थोड़ी स्प्रेड आउट तो हो चुकी है बट लूट इनके लिए ज्यादा होगा. ऐसे ये बताओ कि हेड हंटर्स का ड्रॉप था कहाँ? क्योंकि हेड हंटर्स सब जगह फैले हुए हैं. वाटर ट्रीटमेंट उतरे हैं पर हैसी ऑलमोस्ट हैसियंडा तक आ गए.
माल लेते लेते आएगी उनका ड्रॉप स्पॉट थोड़ा ओपन है बट यहाँ पे लूट के लिए उन लोग को भी रहना पड़ेगा। अब चुमासेरा की तरफ देखते हैं, चुमासेरा में तीन स्क्वाड उतरे इतने शॉर्ट एरिया में, बीफोर यू की टीम, रेवोल्यूशन की टीम और 3DT, यहाँ पे तीन स्क्वाड उतरती हुई चुमासेरा में, ग्रेविटी विद अ वेरी नाइस स्किन ऑफ जो गन है वो फिलहाल के लिए बेवफा है, जैसे इस पे स्कोप आएगा फिर अच्छी लगेगी। और कीमो ने स्टल के पे सप्रेसर लगाया हुआ है मीरामार में, मीरामार बहुत बढ़िया। और एक्सपीरियो की तरफ अगर हम देखें तो एक्सपीरियो पे एक लूट अच्छी डिसेंट दिख रही है मुझे, एक एक एकेएम है और एक एसकेएस है, यहाँ पे एआई गाइस फुल गेम का ही ये लूट है इसके पास में, गन्स के लिए सिर्फ बुलेट्स और अटैचमेंट्स की जरूरत है। क्या बोलते हो शारिंगन भाई इस चीज पे? 3DT विल मूव इन टुवर्ड्स टीम बी फॉर यू, वो उन लोग का फाइट जल्दी होने वाला है। देखा बंदों को आते हुए सीधा सीधा रन रन गाना बजा और निकल चुका है वहाँ पे कीमो। यहाँ पे टीसी की फाइट हो चुकी है पीबी इंद्र के साथ में, पीबी इंद्र की तरफ हम देखते हैं एक बार ये कहां पे हो रही है। ओके यहां पे ला बेंदिता की तरफ देखें हम तो यहां पे हो रही है फाइट 3DT आईडी के, 3DT आईडी पे क्यों मैं अभी भी ये क्या मजाक करती पूछी मेरे साथ। यहां पे बीबी लूसीफर की तरफ हम वापस से जाते हैं, यहां पे एकेएम हाथ में है, शॉट्स पड़ चुके बीबी लूसीफर को टीसी पेन के पीछे से, डेविल्स यू ऑन द मैच, लूसीफर फंस चुका है बेचारा अकेला बीच में। यहां पे फीमेल फैन फॉलोइंग आती हुई डेविल्स के लिए, आज आई थिंक इनसे बात करेंगे, इनसे वॉल पे बात करो प्लीज। अरे क्या मारो मत यार, बात कर लो अकेला है। अरे सीधा टॉप टू मार के खत्म भाई, तेरी एकेएम मेरे को चाहिए, मेरे को पसंद आई तेरी एकेएम यार थोड़ा बात कर लेते, हाय हेलो दूसरे टीममेट का पता तो पूछ लेते, क्लासिक थोड़ी है सर। ब्रो एक्सेलरेट दिखा ना, अरे एक्सेलरेट एक मिनट देखते हैं क्या हो रहा है एक्सेलरेट का, कहां पे एक्सेलरेट की टीम, एक्सेलरेट की टीम है क्रो वाईटी के सामने। एक मिनट क्रो वाईटी अकेले क्यों दिख रहे हैं मुझे, ओके साथ में ही है तीनों, इसके लिए मुझे मैप में दिखे नहीं। क्रो वाइट यहाँ पे फिलहाल सांप बने हुए हैं मीरामार में घर के अंदर, एक साथ बढ़िया तीन क्रिंजी बढ़िया पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, जोन में ही है ला कब्रेरा कोई, नहीं नहीं जोन में कहाँ है। अरे भाई चलो मूवमेंट चालू करो भाई, ये भाई ये टाइम तो मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए वरना भाई तुम, हाँ मीरामार है भाई पूरा मैप पार करते करते दो बाल सफेद हो जाते हैं मेरे। हमें शॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे फिलहाल BTS फिलहाल हील करते हुए दिख रहे हैं, उनके क्लोज में है टीम 12 का एक बंदा आई गेस, स्पेक्टेट रेवोल्यूशन। एक मिनट यहाँ पे एल, ओ भाई क्या ओपन में, ओके मेरे को वॉल यहाँ पे हुआ रेंडर, सामने है AKA BTS की पूरी टीम 12, यहाँ पे क्या फॉल बैक लेंगे, AKA डेडपूल है लेफ्ट वाले घर में आ चुके, बस एक ही चीज है कि यहाँ पे BTS को लेफ्ट जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी क्योंकि टीम्स उन्हें रोटेट करने ही नहीं देंगी। और एक ऊपर से थानोस की टीम जो कि पीछे की तरफ अभी क्या बाइक वाइक लेके निकली है, वाड़ा वाऊ वाऊ निकलते हुए यहां पे H2O की टीम को ड्रॉप मिलते हुए, ड्रॉप पे क्या था, ड्रॉप उठ चुका है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ ड्रॉप का। यहां पे फाइट हो चुकी है रेवोल्यूशन के साथ, रेवोल्यूशन की लेट स्पेक्टेट रेवोल्यूशन, यहाँ पे फिलहाल टीम 5 और मैं हो गया हूँ हैंग, अब क्या किया जाए, रिस्टार्ट कर दो कोई नहीं हो जाएगा, गेम कर दो रिस्टार्ट। यहाँ पे पॉटहेड की फाइट हो चुकी है LOP गॉड पॉटहेड और सामने है टीम 2 दैट इज DDR, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है गाइस। सर AS टीम एक बार, सर एक ही मिनट सिर्फ, जैसे ही वो जैसे ही LOP की फाइट पूरी होती है हम दिखा देंगे आपको। अरे DDR कैक्टस, DDR हेक्टर एक अच्छा सा नेड लेते हुए अच्छा दिख रहे हैं यहां पे, DDR कैक्टस नॉक्ड है, नॉक है क्या, इन्हें रिवाइव मिलेगा पॉटेड यहां, अरे जी जी कर चुके हैं कैक्टस को फिनिश बीच रास्ते में, थॉमस आज मूड में बोला आपने क्रो वाइटी दिखा दिया, अरे सॉरी ना वहीं पे आसपास में ही है रे वो लोग भी,
एक्सेलरेट देखो, आदित्य मर चुके हैं भाई, बहुत अर्ली डेथ ले चुके हैं आदित्य यहाँ पे एक्सेलरेट की टीम से। शारिंगान भाई आपको सिर्फ एक और चीज बोलूंगा, ये टीम 22 को देखिए कहां से आ रहे हैं, एक बार उन पे प्रेस करके रूट दबा दीजिए। नहीं सॉरी कुछ गलत ही रूट दिखा रहा है, ओके ये भाई स्पॉन से दिखा रहा है, सॉरी वो नहीं देखे आप, वो बाहर तरफ रुइन साइड के जो घर है वहां से एकदम एज से लूटते हुए आ रहे हैं। हां पर वो दो गाड़ी लेके कब से वहीं बैठे हुए हैं। हां देखो इसमें अंदर दो हैं और दूसरी एक गाड़ी रहेगी इफ आई एम नॉट। यहां पे डीसी कुस्टसी भी एक बहुत ही अच्छा ग्रेनेड पुल ऑफ करते हुए ट्राई था, बट मौत ऋषि को क्या नॉक दिया है वहां पे ऋषि को, ओ माय गॉड क्या नॉक था वो ग्रेनेड का, आई मस्ट से दैट बहुत ही ओपी नॉक करते हुए यहां पे। और मौतराज के पास मेरी फेवरेट गन क्या है मुझे भी देखना पड़ेगा। कुछ नसीब ने यहाँ पे ऋषि को कर दिया फिनिश, मौतराज पे है फिलहाल MK14 इतनी अर्ली, जिली भी तो है इतनी जल्दी किधर से मिल गई इन्हें, लेके कूदा था प्लेन से। ओ भाई सेटिंग बोलते हैं सेटिंग बोलते हैं यहाँ पे मौतराज थोड़ा आई गेस कि कुछ नसीब यहाँ पे ओपन में स्पॉट होंगे अगर वो थोड़ा, भाई मौतराज आराम से देखो थोड़ा फील लो गेम का। कुछ नसीब की तरफ हम देखें तो फिलहाल टीपीपी लेके ही खड़े हैं, आई गेस कुछ नसीब को लेफ्ट वाले घर में क्लोजिंग करते हुए देख ले घुस जाना चाहिए। आ गया है खुश नसीब यहाँ टीपीपी ले रहा है, आई थिंक अगर आया इस बार तो उस तो एमके खा वेक्टर है। लेट्स सी अगर वेक्टर के शॉट्स कनेक्ट हो गए और एमके के नहीं हुए तो वेक्टर इज इन अ गुड पोजीशन, बट यहां पे रेडिएटर की तरफ देखे तो रेडिएटर आई गेस आ रहे हैं टीम मौतराज को यहां पे ईवाईबी ने एचएच को पिक ऑफ कर लिया। ओ नाइस यहां पे एके कॉन्ट्रा ने हाइपर को भी कर लिया नॉक, एचएच दर्शन ईवाईबी प्रथम को नॉक कर चुके हैं, आई गेस वहां पे क्लोज फाइट हो रही है। लेट्स सी वहां पे जाते हैं हम थोड़ा एके कॉन्ट्रा की तरफ हम जाएं तो एके बीटी यहां पे हो चुके हैं नॉक, सामने एलई की टीम है, एलई की टीम के एक बंदे को आई गेस फिनिश कर चुके हैं, इसके लिए यहां पे तीन बंदे दिख रहे हैं। जी हां टेड हाइपर हो चुके हैं फिनिश, यहां पे आई गेस एली गॉड ओपी थोड़ा लैग होते हुए दिख रहे हैं हमें। रोटेशन चालू है, साइबॉर्ग जा रहे हैं बड़ी बिल्डिंग में, साइबॉर्ग की तरफ आई गेस शॉट देने के लिए मिशन दे बैठे अपना साइबॉर्ग, अगर अब उन्हें स्पॉट करेंगे तो क्योंकि वो जा रहे हैं बिलबोर्ड पे आई गेस। बिलबोर्ड नहीं बिलबोर्ड ओके बिलबोर्ड पे ही पहुंच रहे हैं साइबर, बिलबोर्ड पहुंच चुके हैं अभी, अगर वहां पे अगर चले गए तो बिलबोर्ड मतलब सैन मार्टिन का एक हाफ है और दूसरा हाफ है। एचएच दर्शन यहां पे एचएच की टीम ईवाईबी को कर चुकी है फिनिश, यहां पे हम रेवोल्यूशन की फाइट हो चुकी है वापस से, लेट्स गेट टू रेवोल्यूशन। यहां पे क्रो आईटी एक्सेलरेट को कर चुके हैं नॉक, यहां पे रेवोल्यूशन की फाइट तगड़ी होती हुई दिख रही है हमें, डेथ गॉड की तरफ हम देख रहे हैं अभी, इलियन भी यहां पे आ रहे हैं, आर्टिस्ट यहां पे फिलहाल रिवाइव दे रहे अपनी टीममेट को, यहां पे आई गेस रेवोल्यूशन ने 3DT को कर दिया है फिनिश। जोन के बाहर की तरफ देखें तो अभी भी एक्सेलरेट और क्रो आईटी की हो रही है फाइट, यहां पे क्रो आईटी आई गेस गाड़ी लेके निकलने का प्लान कर रहे हैं बट गाड़ी फूटने की हालत में। डेविल मैच दिखाओ, डेविल कौन सा, ओके और ये सेड सेड वाले लोग निकल चुके हैं सुसाइड मिशन पे। ओ भाई सुसाइड मिशन पर ओके डेविल पहले कौन से क्लैन का है वो बताइए, यहां पे मुझे डेविल पता नहीं एक्चुअली कौन है। शारिंगान भाई डू यू नो डेविल कौन है? रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन का डेविल करके प्लेयर है ना शायद, मैंने देखा पर यहां पे है नहीं फिलहाल। एलओपी कप्तान यहां पे डीडीआर फियरलेस को कर चुके हैं नॉक, पॉटेड थोड़ा ओपन से फ्लैंक करते दिख रहे हैं बट अपनी टीम में अकेले बचे बंदे हैं आई गेस यहां पे डीडीआर जेडन, डीडीआर जेडन निकल चुके हैं आई गेस जोन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, हमने फॉल बैक ले लिया है हमने। भाई 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 यहां पे बूस्ट नहीं चलती भाई, बगी पे बूस्ट नहीं मारते। एएस फॉर 1 सेकंड कोई नहीं, एएस दिखा देंगे आपको एएस थानोस को देखिए। शारिंगान भाई अभी से हाँ थैनोस पहुंच चुका है, थैनोस पहुंच चुका है लॉस लियोनेस, मैं कब का देख लिया उनका रोटेशन। लाइक आई सेड दे लाइक टू मूव अर्ली, ट्राई टू टेक पोजीशंस बिफोर एवरीबॉडी एल्स कैन कम एंड टेक अ पोजीशन सो दैट दे डोंट वांट
want कि हम कहीं पे पहुंचे और वहां पे पहले से बंदे और हमें फाइट लेनी पड़े. पर आई थिंक कि हमें टीपीपी लेने का मौका मिले और उनको शायद एक एयरड्रॉप का भी फायदा होगा. एमके है एयरड्रॉप पे. इफ दे कैन रीच द एयरड्रॉप क्विकर देन एनीबॉडी एल्स डस इट्स राइट देयर एट लॉस लियोनेस. वो लोग फाइट में नहीं मानते भाई. डेविल वाले मस्त रोटेशन लेके दूर से आते हैं. देखो जा रहे आ रहे अरे रे रे रे. और ये मिराडो द्रुमिल भाई. और द्रुमिल भाई बड़ा ही खतरों के खिलाड़ी हैं. द्रुमिल भाई एक तो सबसे गलत में गलत गाड़ी यहाँ पे जिसको भाई और वो घुस गया तो भी गाड़ी फूट जाएगी. उसको चला रहे हैं फिलहाल एक गाड़ी ढूंढने के भाई डर डर के. आप एलई जोकर को देखें तो एलई जोकर अभी भी जोन के बाहर बैंडेजेस लपेट रहे हैं. यहां पे एलई की टीम पूरी जोन के बाहर है. क्या लगता है ये लेटेस्ट बोलते हैं सबसे ज्यादा लेट जोन के अंदर मूव. वो लोग बीआरडीएम का इंतजार कर रहे हैं. बीआरडीएम आ रही है पर मेरे हिसाब से ऊपर गिरेगी बीआरडीएम. अब काटा जाएगा ये बीआरडीएम. बहुत गलत काट रही है बीआरडीएम फिलहाल इनका आई गेस. ऊपर अरे रे 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 लाइफ के बीबॉप हो गए इनके. जिसने भी फ्लेयर गन मारा होगा जो जो गंदी गालियां पड़ी होंगी अभी टेंसेंट वालों को. जिसने फ्लेयर गन मारा उसको सबसे ज्यादा गालियां. टेंसेंट नहीं यार फ्लेयर गन वालों की हमेशा गलती नहीं होती. बेचारा दूर में दूर चल के चला गया तो अभी वो लोग को जहां गिराना वहीं गिराते हैं. वो भी है. यहां पे H2 की तरफ हम देखें तो फिलहाल वो भाई बना हुआ हूं गाड़ी बाइक लेके निकल चुके हैं जोन के अंदर. आइसमैन और जॉर्ग गाड़ी से उतार दिया और हमारे फेवरेट प्लेयर क्रो वाईटी भी अपने बंदों के साथ पहुंच चुके हैं जोन में. एक ही गाड़ी वन कार स्ट्रेटजी पे है सेड. ओके सेड यहां पे बहुत ही ओपी वन कार स्ट्रेटजी लेके जोन की तरफ पहुंचती हुई. मतलब बंदे चार-चार ले रहे हैं सेड एक पे ही. गाड़ी ट्रेनिंग भी चल रही है. देखो भाई यहां पे एक्सेलरेटर दे क्लच दबा गियर चेंज कर. अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से वो डिसाइड कर रहे हैं कि राइट से घुसे या लेफ्ट से घुसे क्योंकि वो आई थिंक दो तीन चक्कर इसी एरिया के लगा चुके हैं. अब उनको दिखेंगे ऊपर ऊपर वेलकम पार्टी है डेविल. और डेविल आई थिंक डेविल ने फायर ले लिए और रेड 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 सीड एपी और रेड सीड एपी ने बहुत चीट चेंज करने करी उस चक्कर में बच गए. गुड जॉब. यहां पे टीम 22 पीछा करती हुई टीम 21 का मुझे दिख रही है. आई थिंक एली वालों हमारे बीआरडीएम वाले अभी भी भाग रहे हैं. अब तो उनको भाग मिल्खा भाग पूरा जोन खेलना पड़ेगा. नहीं एक बग्गी गॉड ओपी को एक बग्गी नजर आ रही है. आशा की किरण पहुंचती हुई. यहां पे एएस नूप की अच्छा किसी से फाइट नहीं अपने में लड़ रहे होंगे ये लोग. है एक ही एक के साथ. ओके लेट्स गो देयर देन. अभी तो एचएच की तरफ हम देखने जा रहे हैं. दर्शिल को स्पॉट करें तो शशिन भाई पूरा हवा में चलाए हैं 3x पे. या उनको बंदे नजर आए थे. नहीं कोई था नहीं वहां पे. हाँ कोई था ही नहीं. पता नहीं इतनी गोलियां चला दी. आधी मैगजीन खाली कर दी वहां. चाचा विदाई हमारे गाड़ी बुलेट्स ऐसे उड़ते हुए हमारे पास आ जाएंगे. और यहां पे दो ड्रॉप्स आते हुए दिख रहे हैं मुझे. एक फ्लेयर ड्रॉप है टीम 10 के पास में आता हूं. और सचिन भाई अरे 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 बच गए. फ्लेयर ड्रॉप आ चुका है. फ्लेयर ड्रॉप में एक है M249 और ओम.
और दूसरा एक सादा सरकारी एयर ड्रॉप है जिसके अंदर है क्या है क्या है क्या है थैनोस 4AR पे शॉट लेते हुए आरसीएस। यहाँ पे आरसीएस के यहाँ पे देखते हैं हम, आरसीएस को देखें यहाँ पे तो हम फिलहाल देखे तो अच्छा स्कारल है उनपे। यहाँ पे 3x के साथ में स्कोपिन करके देख रहे हैं फिलहाल। हाइट एडवांटेज तो है बट अंडी हाइट एडवांटेज भी काम का नहीं बिकॉज उन्हें जाना है जोन के अंदर। फिलहाल है जोन के बाहर, आई गेस ये लोग अर्ली रोटेटर्स हैं तो जोन के अंदर अभी के अभी पहुंचेंगे ये लोग। Before you की फाइट होते हुए क्रो आईटी को मिल चुका भाई, खुद के बंदों पे मार नहीं, खुद के बंदे नहीं यहां पे टीसी यहां पे हो चुके फिनिश। सेड के दोनों बंदे हैं भाई पॉइंट एचपी, यहां पे हो सकता था एक क्लच। रिवॉल्यूशन को दिखाओ, श्योर बड़ी रिवॉल्यूशन को दिखाएंगे। रिवॉल्यूशन है कहां रे तू, ये रे जोन के एज में है फिलहाल, सेफ है सेफ है सेफ है। हाँ अभी नहीं जगड़ रहे वो लोग, तो एक काम करो फोन करके बात भी कर लो उनसे। हाँ भाई थोड़े चाचा वाचा की कोई रिश्ते की बात बात हो रही हो तुम्हारे तो बताइए। यहाँ पे क्रो आईटी फिलहाल वापस शॉट देते दिख रहे हैं, क्या हो रहा है लूट तो रहे हैं। अच्छा एक ऐसी कार 98 दिखा रहे हैं अपने, जैसे कार 98 चलाएंगे हम अब बता रहे हैं सबको। क्रो आईटी हैकरों वाले कपड़ों में, थोड़ा डरावने दिख रहे हैं हमें। हाँ जानबूझ के यही कपड़े पहन रखे हैं, लोग दो देखते ही डर जाए। बार वापस वापस ना निकाले यहां पे हम बाकी टीम्स बिफोर यू कीमो की तरफ देखें तो बिफोर यू कीमो भी अभी ये वाला जोन है ना थोड़ा मुझे लग रहा है हाफ जोन तक अगर किसी ने स्लैम इन नहीं किया सब अपनी अपनी जगहों पे रह के ये वाला जोन बनने देंगे और फाइट नहीं लेंगे मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है सरकास्टर। और देखिए ना टीम्स तो यहां पे क्या होगा कि फाइट इतनी लंबी एक्सेलरेट की यहां पे फाइट दिख रही है मुझे, आई गेस शॉट देते हुए दिख एक्सेलरेट। अरे वाह कोई आजू बाजू नहीं ये एक्सेलरेट के सिवाय डीडीआर जेडन जो तो काफी दूर है। मैं देखूं तो बहुत ही अजीब लूट है विद अ यूएमपी एंड अ थॉमसन और एलओपी और एचएच की फाइट हो गई शायद। H2O और 4AR की हो चुकी है फाइट यहां पे। हां एलओपी कप्तान को स्पेक्टेट करो। खतरनाक ग्रेनेड के चटके पड़े फिलहाल टीम एचएच को। यहां पे मैं एलओपी गॉड की तरफ देख रहा हूं, एलओपी गॉड यहां पे कर चुके हैं जोकर को। ओह बहुत ही अच्छा क्लच एलओपी के द्वारा, बहुत ज्यादा अच्छा क्लच। यहां पे शॉट्स आते हुए दिख रहे हैं मुझे कप्तान पे किसी तरफ से, तो हां कहीं हो एलई की तरफ से शॉट्स हैं मेरे ख्याल से। नहीं नहीं उनके हां एलई की तरफ से शॉट्स थे। यहां पे क्रो वाइटी ओके यहां पे देखिए जोन तो भाई बहुत ही गलत रोटेशन ले चुका है यहां पे। अब मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे 13 टीम्स हैं और इतना छोटा जोन और ये पूरा ओपन और पहाड़ों के रिजेस से भरा हुआ है। एक्सेलरेट आगे पहुंच चुके हैं, जोन के अंदर है फिलहाल। आई गेस अभी फिलहाल वो लोग फाइट लेने से पहले रुकेंगे थोड़ा टाइम के लिए, कहीं पे होल्ड देखेंगे अपना। वापस वन वन कार स्ट्रेटजी है इनकी भी, या तो इन्हें मिली नहीं होगी दूसरी गाड़ी या फिर एके वाले। अरे रे रे ऊपर से H2O वालों ने उन पे बैक स्टैप कर दिया है। अकेले हैं थोड़ा आई गेस यहां पे शॉट लिए बिना आई गेस उन्हें जोन में जाना चाहिए था। अबे किसी पे तो शॉट्स देते हुए दिख रहे हैं,
एली गॉड ओपी पे यहां पे शॉट्स दे रहे हैं जोन में, यहां पे थानोस एपी ने जॉर्क को कर दिया नॉक। लेट्स गेट टू टीम 8 11 एक्चुअली H2O। मैं यहां पे जॉर्क को देखूं कहां से नॉक खाए मेरे को वो देखना है पहले। यहां पे फिलहाल स्लेयर ओपी दे रहे हैं उन्हें रिवाइव। मैं यहां पे फिलहाल थानोस सांटा के ऊपर जाना चाहता हूं बिकॉज़ थानोस सांटा को मैंने आज तक कभी ज्यादा दिखाया नहीं है। यहां पे फिलहाल देखने जाए आरसीएस बहुत टाइम बाद खेले उन पे जाता है एक बार। यहां पे फिलहाल थानोस सांटा एपी ने कर दिया स्लेयर ओपी को भी नॉक। यहां पे थानोस सांटा के ऊपर एक आता हुआ प्रेडिक्टेबल एक नीड है, प्रेडिक्टेबल एक नीड हो रहा है यहां पे। ओके तो H2 हो चुकी है फिनिश पे थानोस, नहीं यहां पे फिनिश किया आइसमैन बाकी है। बहुत अच्छा जिगलता है यहां पे बट आइसमैन यहां पे बच गए। यहां पे थानोस सांटा फिनिश कर चुका है एक एचपी पे थानोस सांटा और गॉड गिवन हो चुके हैं फिनिश यहां पे सामने। यहां पे H2O जॉर्ग वाइटी अपनी टीम से अकेले बचे, आरसीएस थोड़ा क्लोज इन करते हुए दिख रहे हैं यहां पे। आई गेस अगर टीपीपी इस तरफ से होगा तो आई गेस यहां पे जॉर्ग हो चुके हैं फिनिश बाय थानोस एपी। यहां पे फिनिश हो गई है टीम H2O। यहां पे हम फिर वापस से जोन इन की तरफ देखें तो यहां पे 4 एआर की फाइट हो चुकी है विद रेवोल्यूशन। यहां पे रेवोल्यूशन 2 2 की टीम्स में स्प्लिट होकर खड़ी है। शारिंगन भाई कीमो पे शॉट आते हुए टाइट डाउन स्पेक्टेटिंग AS वालों ने रश कर दिया है B4U पे। मैं यहां पे फिलहाल ये देख रहा हूं क्योंकि यहां पे 4AR बहुत ही गलत तरीके से अटक गया है। 4AR हो चुकी है फिनिश बाय टीम रेवोल्यूशन, बहुत ही ओपी तरीके से 2 2 में किया है। यहां पे LOP अकेली टीम है जो जोन के अंदर है फिलहाल। यहां पे B4U की वो एक्सपीरियो पे आ चुका हूं, एक्सपीरियो अकेले बचे अपनी टीम की तरफ से। यहां पे AS जोन इन करते हुए दिख रहे हैं हमें और पीछे से टीम 16 भी शॉट्स देती हुई दिख रही है। B4U के लिए बहुत एक्सपीरियो के लिए बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन ही है फिलहाल, 2v1 सिचुएशन है ओपी एकेएम। अरे बहुत बढ़िया ओ एएसानी विद अ वेरी नाइस रीलोड एंड देन अटैक। वहां पे पॉइंट एचपी बचे एएसानी B4U एक्सपीरियो का बहुत ही अच्छा ट्राई यहां पे। बट यहां पे एलओपी ने फिलहाल तो बहुत ही तगड़ा जोन होल्ड कर रखा है यहां पे मेरे हिसाब से। क्रो वाइटी सेड की टीम आ चुकी है जोन के अंदर, यहां पे आई गेस एज जोन से आ चुकी है जोन में। सेड को दिखाओ, देखो सेड आपकी, देखो सेड आ चुकी है जोन के अंदर। बट यहां पे सेड थोड़ी अजीब जगह पे है क्योंकि यहां पे अगर एलओपी ने स्पॉट करने का ट्राई किया तो बहुत इजीली स्पॉट हो जाएगी टीम सेड। यहां पे सेड में बचे हैं दो बंदे, एएस सानी एलओपी के बंदे को कर चुके हैं नॉक और फिनिश कर दिया। कैसे इतना लॉन्ग में कैसे नॉक फिनिश हुए यहां पे? ये से ओम के झटके दो पड़ चुके हैं। पॉटहेड सर ओपी कप्तान सर ओपी इन द चैट, ये ओपी ओपी कर दो। यहां पे केसेस चलती हुई सुनाई दी मुझे। यहां पे डीडीआर जेडन जो कि अकेले बचे उन पे शॉट दे रहे हैं। एसकेएस के बहुत ही अच्छे टपाटप ले रहे हैं बट यहां पे क्या नॉक फिनिश हो पाए डीडीआर जेडन, नहीं जेडन पे कनेक्ट नहीं हो रहे कप्तान के शॉट। कप्तान ट्राई अच्छा कर पा रहे हैं बट यहां पे कनेक्शन नहीं आ रहा है। यहां पे एक शॉट के बचे, यहां पे खत्म हो चुके हैं डीडीआर जेडन विद एलओपी पॉटहेड के M4 की स्प्रे से। यहां पे राइट साइड में नीचे क्रो वाइटी की टीम है। यहां पे एक नॉक है उसमें से, एक नॉक है रिवाइव होते हुए दिखेंगे अभी फिलहाल। यहां पे एक अच्छा सा नेड पुल ऑफ हुआ है और जी 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 कप्तान को एएस की टीम में ले लिया और फिनिश कर दिया है। एएस पॉटहेड को भी नॉक कर दिया है। यहां पे थॉमस अकेले बचे अपनी टीम की तरफ से। यही मैं कह रहा था कि पॉटहेड एलओपी की टीम का स्पॉट अच्छा है बट एक ही चीज है कि अगर उन्हें कहीं ओपन से किसी ने नॉक स्पॉट कर लिया। यहां पे थानोस की टीम की हो चुकी है फाइट। लेट्स सी थानोस यहां पे बिकॉज़ थानोस अच्छा ठीक है दूर की फाइट है, मैं यहां पे नहीं देख रहा। यहां पे मैं क्रो वाईटी को थोड़ा सा यहां पे टाइम देता हूं, देखते हैं हमारे फेमस क्रो वाईटी क्या करते हैं। यहां पे MK14 ओके अरे झटका पड़ चुका है AS सानी का। यहां पे झटकेदार शॉट यहां पे सीड एपी भागते हुए आ गए यहां पे रिवाइव करने के लिए। बट यहां पे आई गेस थॉमस के पर्सपेक्टिव में दिख जाने चाहिए, यहां पे दिख रहे हैं आई गेस थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं। ओके स्पॉट किया और यहां पे कर दिया है फिनिश। सीड एपी बचे हैं 1 HP पे। यहां पे एलओपी थॉमस की तरफ अगर हम देखने जाए तो फिर से यहां पे उन्होंने ग्रेनेड खींचने का ट्राई कर रहे हैं। ओके सीडीपी यहां पे ओपन में दिखे, नहीं शॉट्स नहीं ले रहे, ग्रेनेड निकालेंगे, ग्रेनेड निकाल के मार। ओके यहां पे दिख गए सीडीपी ओपन में। यहां पे हो चुकी है फिनिश, सीडीपी हो गए एलओपी के
गन के शिकार। यहाँ पे थानोस की टीम को देखे तो फिलहाल बहुत ही सेफेस्ट और अच्छी स्पॉट में आ चुकी है जोन में। यहाँ पे अगर थोड़ी अच्छी स्पॉट ले ली तो यहाँ पे मार्क किया आएगा, ये वाली स्पॉट चढ़ने का ट्राई करेंगे फिलहाल टीम थानोस। थानोस आरसीएस यहाँ पे एज ऑफ द जोन फिलहाल थानोस हैप्पी ने कर दिया। एएस सानी को नॉक। यहाँ पे रिवॉल्यूशन की टीम आ चुकी है सामने, रिवॉल्यूशन को भी दे दिए चटके यहाँ पे तीन थानोस ने। यहाँ पे आई गेस गाड़ी अंदर लाने की प्रेफरेंस होगी, यहाँ पे गाड़ी नहीं ला रहे क्रो वाइट और आरसीएस। आरसीएस गया है, आरसीएस नॉक हो चुके हैं यहाँ पे और फिनिश कर दिया, इंस्टेंटली पिक ऑफ कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे सांटा के पास है एक ओम, क्या वो कोई ओम का चटका दिखा पाएंगे हम? फिलहाल M4 निकाल ली है फिर से। थानोस की टीम यहाँ पे डिप होल्ड करके जोन में जाती हुई दिख रही, थोड़ा जोन के अंदर आती हुई। यहाँ पे एलओपी थॉमस की हो चुकी है फाइट, एलओपी थॉमस है जोन के बाहर अभी फिलहाल। जोन का जो डैमेज है उस हिसाब से तो ये बहुत ही खतरनाक चटके देते हुए दिख रही है हमें। यहाँ पे आई गेस थॉमस को एक स्पॉट मिल चुका है जहाँ पे जोन के अंदर पहुंचेंगे। ओके अच्छी थानोस एपी ने बढ़िया बढ़िया नॉक किया और फिनिश। थानोस एपी नॉक फिनिश देते हुए डेविल मलव को यहाँ पे क्लोज इन करते हुए दिख रहे हैं एलओपी की तरफ। ये शारिंगन भाई मेरा यहाँ पे पता नहीं, मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे फिलहाल दोनों टीम्स अगर विन के लिए गए तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है हील बैटल होगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 8 नंबर टीम जीत जाएगी। लेट्स सी दोनों के अपने अपने, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है क्योंकि हिल के ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर हिल के ऊपर चढ़ गई टीम 8 तो यहाँ पे बन जाएगा उनका गेम। हाँ पर ऊपर नहीं चढ़ सकते मेरे हिसाब से, वहां से कोई रास्ता नहीं, उन लोग को जाना होगा तो घूम के ही जाना होगा। पर तो भी ना चीज ये है कि उनके पास तो भी पोजीशन रहेगी, कहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा है अभी, वहां से नहीं चढ़ा जाता भाई। लेट्स सी क्या करते हैं यहाँ पे। रेवल्यूशन के बंदे ने यहाँ पे कर दिया एलओपी पॉटेड को नॉक, अच्छी जगह से यहाँ पे चढ़ने। ओके यहाँ पे पोजीशन निकाल रहे हैं, बस ये देखो दैट इज व्हाई हां दैट इज व्हाई आई टोल्ड दैट टीम 8 हैव अ वेरी गुड चांस अगर। हां बस सही जगह पकड़े हैं देखो, पकड़ लिए इन्होंने। हां यहां पे बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिख रहा हूं। यहां पे रेवोल्यूशन इलियन यहां पे कर चुके हैं नॉक विद अ ग्रेनेड, लुपी पॉटेड कर कप्तान कर चुके हैं नॉक। थॉमस की तरफ हम देखें तो अकेली टीम, अकेले बंदे बचे अपनी टीम की तरफ से यहां पे क्लोजिंग कर चुके हैं। ओके बहुत ही अच्छा, बट यहां पे थानोस ने मार के भाई गेम बना लिया अपने साइड पे। क्या हो गया, क्या कहा था वो भी, यहां पे थानोस एपी अकेले 8 किल निकाल के गेम निकालते हुए ये वाली ओपी प्रेडिक्शन बाय शारिंगन। वो पोजीशन वहीं से होल्ड करनी पड़ती, ये पोजीशन अगर आप ये पहाड़ के पीछे से होल्ड करते हो ना तो आपको ऊपर से मारना बिल्कुल नामुमकिन है अगर पहाड़ के इस साइड हो, और अगर गलती से पहाड़ के ऊपर पहुंच गए ना तो पूरा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है आपका, मतलब सबको मार पाओगे वो लोग ऊपर मार ही नहीं पाते। ये बात सही है, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन दिखता हुआ हमें, और साथ ही साथ में कि थानोस की टीम को वो पार्ट समझा और वो पार्ट पे उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, वही बहुत अच्छी चीज थी कि उन्होंने वो पोजीशन होल्ड रखा, रशिन नहीं किया, ओवर कमिट यहाँ पे कहीं पे किया नहीं, वही एक अच्छी चीज दिखी हमें यहाँ पे टीम थानोस की तरफ से। शारिंगन भाई कुछ कहना चाहेंगे ये दो मैचेस आज के? Very very good games. Honestly speaking, there is nothing, no one team I can point out who have done extremely well. Every team did their part. Team Devil, if you will see, have 0-0-0 and 0 kills and still managed to finish 4th. Okay, that is a testament to their rotation skills, that they rotated so well. इतना बढ़िया रोटेशन लिया, परफेक्टली अंदर आए, 2 कार स्ट्रेटजी पे थे, किसी से फाइट नहीं ली, परफेक्ट पोजीशन जमाई, पर फिर थानोस एपी ने उन लोगों को एक साथ ही होलसेल में वाइप ऑफ कर लिया। जहां पे हां जहां पे टीम डेविल थी ना, वही पोजीशन थानोस ने पकड़ी, वरना टीम डेविल वाज इन दैट पोजीशन वेयर थानोस वेंट लूटेड एंड देन केम फ्रॉम अराउंड एंड टुक द चिकन डिनर, दे वर देयर ओनली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टू से के यहां पे आई गेस रिवॉल्यूशन की टीम को वो जगह होल्ड करना चाहिए था। रिवॉल्यूशन को कौन सी जगह की बात कर रहे हैं जहां पे वो लोग नॉक हुए, वहां टीम थी जहां पे थानोस की टीम आई, पर चीज ये हो गई ना कि एलओपी को देखते ही वो लोग रश कर गए उस तरफ और फिर उन लोग को मारने मुड़ने में लग गए, इसलिए उन लोग को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। सी दीज आर थिंग्स व्हिच आर कॉल्स टेकन बाय अ फिल्टर ड्यूरिंग द हीट ऑफ द मोमेंट। ओके नाउ यू कैन नॉट से इन हाइंडसाइट एंड बी एन आर्मचेयर अंपायर एंड कमेंट अबाउट
Because there are times when these calls are right, there are times when calls are can turn out to be wrong. In this particular case, it might have been wrong. In certain particular cases, if the zone would have been on that side, it would have been right. And Thanos would have had to move into the zone. And Revolution would have already been in the zone if they would have wiped LOP. So these are matters, in hindsight, they are easy to comment on. But during the game, that's a difficult call to make. They took a call, probably did not turn out in their favor. At least they were firm in their calls. Yes. Bilkul, bilkul. Lot of teams coming up. Like I can see, AS did a good job. Revolution, LOP, Thanos, very, very consistent top performers in our league. So, and H2O today for a change, despite of having two good positions, I expected better finish from them. Last time also in Erangel, they had the house, but they could not finish. And this time also, they were there right in the middle of the zone. They were there at Los Leones before any other team. They were at a height. They did a backstab also, a very good backstab on one team. I wanted them to finish a little higher than where they finished. And I think they will finish higher in the customs to come. Yep. Chalo, with that said, all the best to all the other teams. Chaliye, is baat pe hum stream abhi filhal to end karte hain. Aur kuch kehna chahenge aap Sharingan bhai aaj ke liye? Nahi. Please see you guys tomorrow. It was fun having all of you around. And please like, subscribe and share with your friends if you enjoyed the stream today. The more number of people log in, the more number of people like us, the more number of the more motivated and encouraged we are to bring to you better content. But so, signing off. भूल के लिए एक चीज बोलना भूल गए हम कि हम एक और चीज ला रहे हैं within 2-3 days जो कि मुझे actually चाहिए because हम यहाँ पे daily के daily analysis नहीं but यहाँ पे montages लाएंगे जो कि एक-एक दिन के पूरे दो matches में यहाँ पे हुए थे. Mix all the teams will be bringing up. यहाँ पे सारी टीम्स के फाइट यहाँ पे दिखेंगी उस मोंटाज में. सो गाइस वेट करते रहना उस चीज़ के लिए क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और वीडियोस देखना क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे फाइट होने के चांसेस बहुत हाई हैं. Sharingan भाई, एनीथिंग टू से ऑन दैट? आई विल कमेंट व्हेन वी डू कम आउट विद द कंटेंट, नॉट राइट नाउ. देयर विल कम अ टाइम व्हेन वी विल कमेंट बट नॉट राइट. Let the content come out, let people decide on their own what they need, what they don't need, what is their response to it, and then we will have our own comment reserved for that particular day. Okay, chalo, that's it for today, then we should end the stream now. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Chalo, bye guys.